है, इज इन अ डिलेमा विद द बिलीगर्ड एंड चैलेंज प्रोफेशन दैट मेडिकल प्रोफेशन इज फेसिंग. दिस कोर्स फ्रॉम श्रीमद भगवद गीता, श्रीमद भगवद गीता के जो गीतोपदेश हैं इससे ज्यादा रेलेवेंट कभी नहीं हुए हैं, और इन गणमान्य वक्ताओं के उससे हम लोगों का दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन और पद प्रदर्शन होगा. एंड आई थिंक द डिल्यूजन शुड कम आउट एट द एंड ऑफ द सेशन. विद दीज वर्ड्स आई विल नाउ रिक्वेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नवबीर पश्रीचा, अ फैकल्टी कुलीग फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, टू इन्वाइट रेस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट कम वाइस चांसलर साहिब to formally open the session by welcoming the dignitaries. Dr. Navbir Pashricha, Madam. Thank you so much, sir. I welcome our Honorable Minister, Suresh Khanna ji, under whose gracious patronage and motivation we have been conducting these medical ethics seminars regularly. I welcome you, sir. I welcome our organizing chairperson and the inspiration and driving force behind today's webinar, our respected director, Dr. Arun Kumar Singh. He's also the vice chancellor of Atal Bihari Vajpayee Medical University. Sir has been an alumnus of MLN Medical College, Allahabad. KG Medical College, he's done his plastic surgery. He has been professor and head of plastic surgery and COE of the examination center at KGMC. I welcome you, sir, and I welcome all our dignitaries online and offline, the faculty from RML and from different institutes who have joined us today in this endeavor to tame the Arjuna within us facing the social and the psychological stresses, especially in this pandemic time. It is my fervent pleasure and duty to request our director, sir, to please give his welcome address. Director, sir. सबको आज की वेला पे हमारा सादर प्रणाम. इस सेमिनार के बारे में, इस वेबिनार के बारे में हम लोग को प्रेरणा मिली है अपनी माननीय मंत्री जी से, श्री सुरेश खन्ना जी से, जो कि हमारे मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, साथ साथ फाइनेंस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की भी कार्य देख रहे हैं. आपका बहुत मानना था कि मेडिकल एथिक्स के बारे में काफी कुछ विस्तृत आजकल चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि समाज में एथिक्स का काफी अभाव होता जा रहा है. लोग एथिकल चीजें नहीं कर रहे हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में जब वो हम लोग के संकाय के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने हम लोग से भी, मेडिकल प्रोफेशन से भी अपेक्षा की है कि ये लोग भी एथिकल करें और एथिक्स की टीचिंग पार्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में जरूर होनी चाहिए. उस संदर्भ में हम लोग के इस तरह के एक सेमिनार्स अपने लोकल लेवल पे होते रहे हैं, पहली और थर्ड सैटरडेज को. और इसमें इस बार इस सेमिनार की विशेष से एक प्रेरणा मिली थी हमको अपने महामहिम मैडम, जो हमारी कुलाध्यक्ष हैं, गवर्नर हैं, मैडम आनंदीबेन पटेल जी. उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी कि कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुआ है, और उस महोत्सव पे का एक फ्लायर हम लोग के पास आया था. उसी से एक छोटा सा चिंगारी मिली, एक छोटी सी रे ऑफ होप मिली कि गीता इतना पुराना ग्रंथ है, एक व्यावहारिक ग्रंथ है जिसमें हर पहलू करीब करीब बताया गया है, दर्शाया गया है विस्तृत रूप से. तो क्यों ना हम लोग देखें कि हमारे जो पुराना इतिहास है, जो हमारी पुरानी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें मेडिकल से रिलेटेड एथिक्स क्या है. तो इस पे विचार करते हुए इसकी परिकल्पना हम लोगों ने की, और हमारे सहयोगी डॉक्टर जैन साहब, डॉक्टर कंठपाल, डॉक्टर गोगिया साहब, हम लोग की जो टीम है, डॉक्टर नीत, सबने मिलकर के इस पे काफी कार्य किया. और आज हमें खुशी है कि सब लोग मंत्री जी के सानिध्य में सब लोग एकत्रित हुए हैं. हम सबसे पहले स्वागत करते हैं अपनी मैडम, गवर्नर मैडम का, जो कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पा रही हैं क्योंकि उनके यहाँ कुछ अपना प्रोग्राम लगा हुआ है. उन्होंने एक संदेश भेजा है
कृपया अपने पत्र हम पढ़े दे रहे हैं। कृपया अपने पत्र दिनांक फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के माध्यम से आप द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2021 को आयोजित चिकित्सा क्षेत्र में आचार विचार श्रीमद् भगवद गीता के आलोक में विषयक वेबिनार में सम्मिलित होने का अनुरोध किया गया है। धन्यवाद। दिनांक 6 फरवरी को राजभवन प्रांगण में आयोजित प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी के शुभारंभ कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण मैं उक्त वेबिनार में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगी। कार्यक्रम की सफलता हेतु मेरी शुभकामनाएं। मैडम का स्वागत है और मैडम ने भी काफी इसमें दिलचस्पी ली थी और हार्दिक रूप से चाहती मी थी इसमें आना। हम लोग फिर से कोई मौका ढूंढ करके उनका सानिध्य उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम स्वागत करना चाहते हैं अपने माननीय मंत्री जी का, जो कि जिनकी प्रेरणा स्रोत से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और हम लोग सब जानते हैं कि बहुत ही सात्विक विचार के, बहुत ही सरल जीवन के हमारे माननीय मंत्री जी हैं और उनको इस तरह की चीजें उनको दिल से छू जाती हैं और हमेशा इसके लिए तत्पर रहते हैं, लगाव रहते हैं। आज भी मैडम सर जो हैं वो शहर में नहीं है, शहर के बाहर हैं, लखनऊ के बाहर हैं, इसलिए भौतिक रूप से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है कि हाँ हम इस वेबिनार में रहेंगे और हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे। स्वागत है अपने माननीय मंत्री जी का। इसके अलावा हम स्वागत करते हैं जो कि हमारे मेन स्पीकर्स लोग हैं, जिन्होंने काफी तैयारी से और काफी गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि मेडिकल फील्ड से भी हैं और नॉन मेडिकल फील्ड से भी हैं, उनके उद्बोधन हम लोग को सुनने को मिलेंगे और उनका हम लोग को जैसे उन्होंने बताया कि दिव्य दर्शन गीता का पढ़ करके उसका सार मेडिकल प्रोफेशन को देंगे। डॉक्टर अमित रंजन जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीएमआर के एम्स गोरखपुर में, हमारे अपने ही हैं क्योंकि यहाँ पे ही काम कर रहे थे राम मनोहर लोहिया में कुछ समय पूर्व, अब एम्स गोरखपुर में हैं, लेकिन काफी ज्ञान रखते हैं गीता के बारे में और उसका थोड़ा सा विस्तृत जानकारी जिस समय हमारे उनका इंट्रोडक्शन होगा बताएं। डॉक्टर मार्कंडे अहुजा साहब आई सर्जन है, वाइस चांसलर है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के, बहुत ही ज्ञानी हैं। तो ये लोग जो है मेडिकल प्रोफेशन से हैं, बहुत ज्ञानी हैं और हमारे एक तरह से देखा जाए तो कर्णधार रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज करने में, हमारी मदद करने में इस सेमिनार में। स्वागत है डॉक्टर मार्कंडे अहुजा साहब का। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर दंतु मुरली कृष्णा जी का, जो कि साइंटिस्ट हैं, राइटर हैं और शूटर भी हैं, जो कि ल्यूपिन में थे पहले और मेडिकल से वो भी जुड़े रहे हैं, तो उनको आइडिया है मेडिकल के इथिक्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से भी वो मेडिकल को देखते रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जसकिरण कौर डायरेक्टर मैनेजमेंट है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मोहाली पंजाब में, काफी कुछ इन्होंने मैनेजमेंट में दक्षता है इनकी और आज वो भी हम लोग को एथिक्स के बारे में उसके बारे में बताएंगे। गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और रिवेर्ड स्वामी जी हैं, जिनका गीता फाउंडेशन है और बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने व्यस्तम समय से हम लोग को कुछ अपना आशीर्वचन देने को, हम लोग को राह दिखाने के लिए आज हम लोग से जुड़ रहे हैं, हम उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके अलावा हम अपने कई गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि वेबिनार के द्वारा लखनऊ ही नहीं बाकी अन्य प्रदेशों से भी, अन्य शहरों से भी इसमें जुड़ेंगे और जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और बाकी सब ऑडियंस का भी स्वागत करते हैं। और हम लोग का यह मानना है कि इससे दो चीजें होंगी, एक तो हम लोग का आज ज्ञान बढ़ेगा, दूसरा ये है कि हमें भी थोड़ा सा फायदा हुआ है, हमें कुरुक्षेत्र की इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं मालूम थी, ये वो हमको पता चलने लगी है और हम लोग प्रयत्न रहेगा कि इससे आगे भी जुड़े रहें, जो हमारे ये लोग मार्गदर्शक की तरह काम करेंगे और कुरुक्षेत्र भी एक टूरिज्म की तरह से एक डेवलप और होगा। इन चंद शब्दों के साथ हम फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और डॉक्टर नवदीप और डॉक्टर जैन साहब से निवेदन करते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी को निमंत्रण दें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, योर वर्ड्स हैव ऑलवेज बीन वेरी इंस्पायरिंग टू अस। विद दीज वर्ड्स आई वुड टेक द इट इज माय डीपेस्ट ऑनर एंड प्लेजर टू रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर सर, मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री सुरेश खन्ना जी, अंडर हूज गाइडेंस एंड पेट्रनेज we have been carrying out these fortnightly medical ethics seminars, and our institute, our faculty and residents have wholeheartedly
participated and learned from these seminars. I thank you, sir, for giving us this inspiration to initiate such an inspiring job within the pandemic. Sir, I would request you to please address this August gathering today. Minister, sir. Thanks to all of you. Though I can deliver my words in English, but it is rather difficult for me to express my heartfelt feeling in English. That is why I should speak in Hindi, and I shall speak in Hindi. Most welcome, sir. मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गीता के आलोक में इस सेमिनार को करने के लिए उत्साहवर्धन किया. साथ ही साथ हम आरएमएल के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो परंपरा 29 जून 2020 के शासनादेश के तहत 4 जुलाई 2020 को एक मेडिकल एथिक्स का क्लास उत्तर प्रदेश के सभी निजी और सार्वजनिक मेडिकल कॉलेजेस में शुरू की गई थी, उन्होंने इस परंपरा को बखूबी निभाए रखने का जो प्रयास किया है, इसके लिए उनके पावन पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि उनको इस प्रकार की प्रेरणा देता रहे कि वो इस व्यवस्था को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाते रहे. मैं आज के कार्यक्रम में जितने भी हमारे महानुभाव विद्वत जन गीता मनीषी जुड़े हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय इसके लिए दिया. सबसे पहले मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने भी फैकल्टीज मेंबर्स हैं या यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ने का प्रयास किया. मेरा अपना मानना है कि जिस दिन से व्यक्ति डॉक्टर बनता है या डॉक्टर बनने की कल्पना उसके मन में होती है उस दिन से उसके मन में कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति हमदर्दी, दूसरों के प्रति सहज भाव, किसी न किसी रूप में दूसरों की मदद का भाव जरूर होता है. क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन जैसा कि आयुर्वेद के जनक श्रीमान चरक जी ने इसको परिभाषित किया कि डॉक्टर के चेहरे में लोग भगवान का चेहरा देखते हैं, ईश्वर का चेहरा देखते हैं. ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन डॉक्टर को लोग ईश्वर मानकर ही उससे व्यवहार करते हैं. ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है और ये शब्द भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि किसी न किसी रूप में हम डॉक्टर को उस रूप में देखते हैं कि हमारा ये जीवनदानी है, किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी को बचाने वाले, जिंदगी को बेहतर बनाने वाले हैं. इसलिए हम सभी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को आज बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो लोग किन्हीं लोगों की प्रेरणा से या स्वयं प्रेरणा से इस प्रोफेशन में आए. अब मैं बधाई देना चाहता हूं उन लोगों को विशेष रूप से जो कोरोना जैसे महामारी में भी एक कमिटमेंट के साथ लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए, लोगों को स्वस्थ करने के लिए वो खड़े रहे और निरंतर उनकी सेवा कर उन्होंने आज कोरोना को पराजित करने का जो संकल्प लिया था वो लगभग पूरा होने जा रहा है. कोरोना अब लगभग समाप्ति की ओर है और हर प्रकार से उन्होंने रात दिन एक करके अपने सुख की, अपने जीवन की, अपने बच्चों की परवाह न करके लोगों की मदद में
जो अपना समय दिया, जो किसी न किसी रूप में उन लोगों की मदद की, उनकी भावनाओं को भी मैं सम्मान करता हूं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर उनको ऐसी शक्ति देता रहे कि वो और अधिक जनसेवी भावना से कार्य करते रहे। बहनों और भाइयों, आज गीता के आलोक में हम मेडिकल एथिक्स को देखना चाहते हैं। मुझे सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला श्लोक है गीता में, वैसे तो पूरी गीता ही हमारे लिए एक आदर्श ग्रंथ है, आज तक मेरे विचार से दुनिया में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं हुआ कि जो गीता का मुकाबला कर सके। गीता जीवन का लाइफ स्टाइल बताती है कि हमको किस प्रकार से जीना चाहिए और हर प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करती है। गांधी जैसे लोगों ने भी हर समय इस बात को कोट किया है कि हम मुसीबत के क्षणों में या किसी न किसी रूप में जब हम असहज स्थिति में होते थे तो हमको गीता माता का की शरण में जाना पड़ता था और वो हमारा मार्गदर्शन करती थी। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आज के संदर्भों में जो श्लोक लगता है वो 18वें अध्याय का 46वां श्लोक है। मैं विशेष रूप से उसको कोट करना चाहता हूं और उसमें ये कहा गया है, मैं संस्कृत में पहले बोलूंगा और उसके बाद कोशिश करूंगा उसका सही अनुवाद करने का। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिं विदन्ति मानवः। अर्थात वैसे तो यहाँ पर गीता के तमाम विद्वान मनीषी बैठे हुए हैं, वो इसका बेहतर अनुवाद बेहतर भावार्थ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने लघु ज्ञान के माध्यम से जो कुछ भी मैं उसके बारे में समझ सकता हूँ, मैं तो केवल यही समझ सकता हूँ कि हम अपने स्वाभाविक कर्मों से किसी न किसी रूप में दूसरों को सुख पहुंचाएं, दूसरों को आराम दें, दूसरों को किसी न किसी रूप में जिंदगी को आसान बनाएं। ये मैंने इस श्लोक को इन संदर्भों में समझा है और वैसे तो पूरी गीता हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, हमारी पूरी गीता हमारे लिए एक आदर्श ग्रंथ है जिसका हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक हम इसका अनुकरण कर सकें, लेकिन कितना कर पाते हैं आजकल के संदर्भों में वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि जो हमारे सामने जो व्यवस्था है, भौतिक उपलब्धि हमको तात्कालिक खुशी दे सकती है लेकिन आंतरिक सुख और संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। कभी भी भौतिक उपलब्धि से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, इसलिए संतुष्टि हमेशा सेवा से प्राप्त हो सकती है, त्याग से प्राप्त हो सकती है, दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो भी हम पुरुषार्थ करें, जो भी कर्म करें, जो भी सेवा कार्य करें उससे संतुष्टि प्रदान होती है। जीवन का अंततोगत्वा लक्ष्य भी यही है कि हम आज तक की जिंदगी जो जीते आए उसको हम और अधिक खूबसूरत बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करें, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी जरूर देखना है कि हम अपने आप में भी संतुष्ट रहें और जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं। आज से 500 वर्ष पहले तुलसीदास ने भी कहा था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और कन्फ्यूशियस जो एक चाइनीज विद्वान हुआ उससे एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज रिलीजन, तो उन्होंने भी ये जवाब दिया था, इट इज नथिंग एंड बियॉन्ड ह्यूमन एक्टिविटी, मानव सेवा के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं। मैं आज के संदर्भों में अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर ए के सिंह को कि जिन्होंने मेडिकल एथिक्स को गीता के आलोक में लोगों को सामने रखने का जो प्रयास किया है, मैं उनको फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा। और आप लोगों से अधिक समय नहीं लूंगा, मैं लोगों को विद्वान मनीषियों को सुनना भी चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं सभी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को कि जिन्होंने इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को आत्मसात किया और इस प्रकार की सेमिनार लगातार उत्तर प्रदेश के 52 मेडिकल कॉलेजों में पूरी तरीके से अनवरत चलाने का जो प्रयास किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, आपके मार्गदर्शन दिशा निर्देशन और पथ प्रदर्शन में माननीय मंत्री जी हमारे हृदय में जो ऊर्जा का संचार किया है वो अतुलनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
प्रोफेसर डॉक्टर नवबीर पशीशा से रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्मली सेशन वक्ताओं से आमंत्रित करते हुए प्रारंभ कराने का श्री गणेश करें। थैंक यू सो मच सर। I would like to welcome now, we are beginning from near home, I would like to welcome Dr. Amit Ranjan, who was formerly associated with us at Ramana Loya Institute. He has worked with various premier institutes across the country and presently he is faculty of AIIMS Gorakhpur. Like we were inspired to go ahead with the medical ethics seminars in various institutes in UP, he was also preparing on his own part, he was preparing for the battlefield of life. But he was giving easy and relatable interpretations of Bhagavad Gita, shlok by shlok, via his Ma Amriteshwari charity sansthan, Gita Amrit, Ek Shlok Har Roj. In fact, I listened to your shloks yesterday. It was very inspiring and I am sure everybody would like to listen to you more. Please, Dr. Ranjan. Thank you, ma'am. Thank you so much. So I'll share my screen right now. Please go ahead. I hope my screen is visible. It is. It's visible. You can put it on full screen, slide share. Hope it's okay. Yes, it's okay. So I'll be starting now. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, the experience itself is overwhelming to be here. मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब हम एक प्रोफेशनल वे में गीता पे मेडिकल प्रोफेशन को रिलेट करके बात करेंगे. सो माई प्रोफाउंड वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गवर्नर मैडम, ऑनरेबल मिनिस्टर सर, to our whole organizing team, Dr. A.K. Singh sir specifically. इस तरह का काम एक बहुत नोबल विजन चाहिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनसाइट चाहिए, एक अच्छा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन चाहिए, तभी शायद इस तरह का काम मुमकिन है. Lots and lots of gratitude to you and appreciation from all my heart. RML IMS has always been my family. और इसके साथ just a word of thanks to my director, Dr. Surekha Kishore ma'am. She has always let me work on Gita, उसको medical profession education में कैसे ले आना है, इसके लिए भी मैडम ने हमेशा प्रोत्साहित किया है. So I'll start my talk with introduction to Bhagavad Gita. Basically, my idea of this talk is just to sensitize you. मेरे बाद बहुत अच्छे अच्छे speakers हैं and in panel discussion we'll delve more. I have 5 minutes with me, मैं timer start कर देता हूँ और इसके साथ ये talk शुरू करता हूँ. मैडम ने मेरा introduction दे दिया. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एम्स गोरखपुर में, डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर में. द स्लाइड इज इन मूविंग. हाँ, सो दिस इज माय ब्रीफ प्रोफाइल. द ऑर्गेनाइजर आस्क्ड मी पुट मी हियर, उन्होंने कहा था यहाँ रखने के लिए. एमबीबीएस किया, डीएनबी किया, सफदरजंग में काम किया, लोहिया में काम किया. जो टर्निंग पॉइंट था गीता, तो हालांकि मैं काफी साल से पढ़ रहा था, टर्निंग पॉइंट कोरोना का चैलेंज था. बीइंग अ कोरोना चैलेंज में जो हम सेहत से डील कर रहे थे, साथ में मेंटल हेल्थ वाज गेटिंग अ बिग इश्यू, तभी ये सीरीज शुरू हुआ जिसका मैडम ने जिक्र किया, मैक्स गीता अमृत, एक श्लोक हर रोज. ओके, नाउ द इंट्रोडक्शन पार्ट. देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा है जिसने भगवद गीता के बारे में नहीं सुना होगा, अलग अलग तरीके से जरूर सुना होगा. तो पहले उस चीज पे आते हैं. यूजुअली कहाँ सुनते हैं? यूजुअली अपने घर में भगवद गीता की किताब को देखते हैं, बहुत अच्छे से रखे, पूजा भी करते हैं, फुल रिस्पेक्ट. उसके बाद फिर मूवीज से ज्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है. जैसे बॉलीवुड मूवीज में आता है कि भगवद गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ सच बोलेंगे और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे. सो देयर वाज समथिंग पायस इन इट. कुछ तो ऐसा पवित्र है, कुछ सैक्रेड है, जिसको हाथ पे रख के हमें एक पवित्रता का अनुभव होता है. तो जब इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने शुरू किया था, द फर्स्ट टाइम आई रेड इट 6 years बैक, तो ट्रस्ट मी, जब पूरा बुक पढ़ा तो इट वॉज, पढ़ा बहुत कुछ, समझा ज्यादा कुछ नहीं. इट टुक्स ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ लर्निंग विद वेरियस टीचर्स दैट हाउ आई गॉट इट. अभी भी आई एम स्टिल अ लर्नर, अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता. सो दैट्स हाउ दिस स्टोरी स्टार्टेड. सो हम इस तरीके से बात करेंगे कि भगवद गीता हमारे लिए है क्या. सो What is Bhagavad Gita? I'll give few options. आप पढ़ते जाइए. Bhagavad Gita एक संस्कृत की poem है, एक श्लोक में verses में लिखे हुए हैं, बहुत सालों पहले बोली गई थी, इसका नाम ही है Song of the Lord. एक holy book है particularly Hindus के लिए, conversation between the two, Krishna and Arjuna, बिल्कुल, and a guidebook of wisdom. Now this guidebook of wisdom is for everyone, irrespective of whatever
caste, creed, birthplace, geography, live a good, righteous and happy life and all of the above. No points in guessing, answer is ka all of the above hai. Bhagavad Gita ye sab kuch hai. कुछ बेसिक फैक्ट्स, जैसे हम हैरिसन पढ़ते थे एमबीबीएस में, हैरिसन के दो वॉल्यूम हुआ करते थे, वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू. महाभारत के भी इस तरह 18 वॉल्यूम्स मतलब परवाज हैं. आप में से कोई गेस कर सकता है कि एग्जैक्टली भगवत गीता कौन से पर्व में बोली गई होगी? सोच के लगता है कि महाभारत की लड़ाई में बोली गई है, तो इट मस्ट बी समवट हाफ ऑफ महाभारत, लेकिन ऐसा नहीं है. भगवत गीता शुरुआत के छठे पर्व में ही भीष्म पर्व में बोली जाती है. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, महाभारत में 100,000 के लगभग वर्सेस हैं और भगवत गीता में सिर्फ 700 वर्सेस हैं. मतलब महाभारत का कुल मिला के सिर्फ 1% है भगवत गीता. लेकिन ऐसा क्या है भगवत गीता में जो यही 700 वर्सेस उसको कहीं ना कहीं महाभारत से भी ज्यादा पायस, पवित्र और रिलीवेंट बनाता है. इतना रिलीवेंट कि महात्मा गांधी ने, जैसा कि अभी हमारे मिनिस्टर सर ने भी बताया, कि महात्मा गांधी ने भी उसे एक स्पिरिचुअल डिक्शनरी कहा था कि जब भी हम क्रॉसरोड्स ऑफ लाइफ में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं यही गीता हमें मार्ग दिखाती है. तो ऐसा क्या है भगवद गीता में? और ये 700 श्लोक आखिर किस बारे में कन्वर्सेशन है? कृष्ण और अर्जुन के बारे में है, ठीक है, लेकिन क्या है? होता क्या है कि अर्जुन अपने वॉर शुरू होने से पहले अपने पितामह को देख के, अपने गुरुजनों को देख के काफी भावुक हो जाते हैं. उन्होंने इस चीज को मोरालिटी से रिलेट किया एक, और इसके साथ वो अनविलिंग हो जाते हैं लड़ाई के लिए. उनका हथियार उनके हाथों से छूट जाता है और अल्टीमेटली कृष्णा को, भगवान कृष्ण को 700 श्लोक का कन्वर्सेशन देना होता है जो कि दुनिया का आने वाले वक्त का संचार बदल देता है और अर्जुन का हृदय परिवर्तन भी कर देता है. याद रखिए, ये बैटल फील्ड में हुआ था, ये किसी क्लासरूम में, किसी महर्षि के आश्रम में ये श्लोक नहीं दिए गए थे, ये बैटल फील्ड में हुआ था. और शायद यही कारण है कि दिस इज ऑल वेरी रिलेवेंट इन आवर बैटल फील्ड ऑफ लाइफ. हमारे खुद के बैटल फील्ड ऑफ लाइफ में ये उतना ही रिलेवेंट है. एंड क्या कारण है कि इसको ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ विजडम माना जाता है, द फ्यू वेरी थिंग्स? क्योंकि एक बैटल हमारे अंदर भी रेज करता है. बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो बहुत सही होते हैं लेकिन मुश्किल होते हैं, कुछ सही नहीं होते लेकिन आसान होते हैं. मुश्किल होता है जज करना. भगवत गीता हमें मार्ग दिखाता है. एक छोटी सी कहानी, बस एक मिनट में खत्म करूंगा, कि एक छोटी सी कहानी है कि एक टाइम में एक बड़े वाइस से राजा रहते थे. उनके मन में था कि उनका जो उत्तराधिकारी हो वो समझदार हो, वो न्याय जानता हो, वो समझ रखता हो. तो उन्होंने कहा कि मैं बर्थ के हिसाब से नहीं, टैलेंट के हिसाब से करूंगा. तो उन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखा. कॉम्पिटिशन कुछ ऐसा था कि एक दिन का कंपटीशन था, सभी के लिए खुला था, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे नॉर्मल गरीब हो, अमीर हो. उसमें 9 से 5 तक का, मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का वक्त था. उसमें करना कुछ नहीं था. जो उनका एम्पायर था उसके एक कैंपस में राजा को ढूंढना था, बस इतना करना था. सुबह गेट खुल जाता है, बहुत सारे लोग अंदर घुसते हैं लाखों की संख्या में, और अंदर देख के वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं. यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा जैसा चीज नहीं था, इट वॉज अ कार्निवल, मेला जैसा लगा था. एक तरफ खाने के स्टॉल्स लगे थे, बहुत अच्छे अच्छे पकवान थे, एक तरफ एंटरटेनमेंट के सारे साधन थे, वहां पे अलग अलग चीजें हो रही थी, आराम करने के बहुत अच्छे अच्छे वेलवेट वाले बिस्तर थे. जो भी घुसता था इन रास्तों से होता जाता, कहीं ना कहीं फंस जाता था, फिर सोचता था पता नहीं ऐसा मौका फिर से आए ना आए, आज जी लेते हैं. इनमें से लाखों में से कोई नहीं आखिरकार इस पूरे रास्ते पार कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं फंसे रह गए. उनमें से सिर्फ एक ऐसा था जो कि उन सबसे पार होकर एक मंदिर में पहुंचा. मंदिर में एक पुजारी बैठे थे, उन्होंने उनको नमन किया, पूजा की, और पुजारी ने बहुत सरप्राइजिंग वे में पूछा, आखिर आप इतने यंग हो, यहां तक कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने यही कहा कि रास्ते में था तो बहुत कुछ, लेकिन मेरे मन में आपका नाम था कि मैं आप तक पहुंचना है. ये इस तरह की उन्होंने एक टूल किट, एक मैग्नेट, एक कंपास जैसा बनाया, और सब कुछ से होते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी अपने मंजिल पे पहुंच गए. इनफैक्ट आप सोचिए कि सबने बहुत कुछ पाया जरूर होगा उस मायाजाल में जो कि राजा ने बिछाया था, लेकिन जिसने इस मायाजाल से होते हुए, इन सब से निकलकर, जिस
जिस चीज को प्राप्त किया उसके बाद वो कहीं ना कहीं ऐसे भी इन चीजों का स्वामी हो गया बिना इसके प्रति लालसा रखे हुए। भगवद गीता हमें यही ताकत देता है, वो हमारा मोरल कॉम्पास बनता है, हमारी टूल किट बनती है, एक ऐसा मैप होता है जिसको देख के, जिसको समझ के, जिसके जिससे जब भी दिक्कत पड़े हम उसको खोल के अपना रास्ता खुद ब खुद बना सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर में ही मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो हम पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल्स डालते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भगवद गीता भी हमारे लिए ऐसा ही है। नए जनरेशन को जितनी जल्दी हम भगवद गीता से वैक्सीनेट करेंगे उसके लिए आगे वाली जिंदगी उतनी ही ज्यादा, उसके स्ट्रेस मैनेज करना, उसको चीजों को देखना, उसको देखने का तरीका उतना ही अच्छा होगा। इनफैक्ट अगर भगवद गीता शुरू करने से पहले भगवद गीता ध्यानम होता है, एक तरह से मेडिटेशन बिफोर भगवद गीता, इसमें ये कहा भी गया है कि जो भगवद गीता है वो उपनिषद्स का सार है, इसमें जो लॉर्ड कृष्णा है वो उसके कीपर है, अर्जुन जो होता है वो बछड़ा होता है जो कि इंजॉय करता है, और जो भी लोग, सिर्फ अर्जुन तक नहीं, ये अनलिमिटेड ज्ञान है, और जो भी लोग खुले मन से, खुले इच्छा से इस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं वो बिल्कुल खुले मन से कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी चीजों को विराम दूंगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लिया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित। नो वंडर योर टॉक्स ऑन यूट्यूब आर सच अ हिट, इट्स वेरी इजी एंड रिलेटेबल वे यू वोव अ स्टोरी एंड यू टुक अस थ्रू व्हाट इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता। थैंक यू सो मच। It's said that healthcare professional, we always believe that healthcare professionals are respected people in the community and other people look up in the society to them for advice and guidance. So it is, I'm quoting from the Bhagavad Gita, and I'm sorry, I'm slightly less conversant with Hindi. For whatever a great man does, that very other thing other men also do, whatever standard he sets up, the generality of men follow the same. So it is an honor for us to welcome another healthcare professional as one of our speakers today. I would like to welcome Dr. Markandeya Ahuja. He's an eye surgeon and working as vice chancellor in Gurugram University, Gurgaon. In over 20 years of his experience, he has done more than 2.5 lakh surgeries. He's an excellent orator, avid reader, meticulous writer. He has written over 20 books, and two of his books have been published by the Haryana Sahitya Academy. And recently, his book on self-management and Gita has been released in the Parliament of London. He has been awarded Sahitya Shiromani Award by Indian High Commissioner in Canada. He's pursuing a course on philosophy, science, and religion. And he's also, apart from all this, very inspirational, he's also doing a daily dialogue on Gita with Gita Manishi Swami Gayananji Maharaj, which is telecast on India News Haryana. It is indeed our honor and pleasure to be listening to you, Dr. Markandeya, today. Sir, please. Thank you, ma'am, for such a nice introduction. Param Pujaniya, Param Sammaniya, Prata Samarniya, Gita Manishi, Swami Gyananandji Maharaj, Bhav se judi, Uttar Pradesh ki Governor, Madam Anandi Bhai Patel, bahut hi samman ke yog, jinhe humne abhi bahut acche se suna, Uttar Pradesh ke Mantri Subhash Khanna ji, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर और वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर एके सिंह जी, जिनसे पिछले कुछ दिनों में वार्तालाप हुआ, मिलकर बहुत अच्छा लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो एक पुनीत कार्य में लगे हैं। डॉक्टर जैन, जिनके बारे में मैं क्या कहूं, पिछले 15 दिन से लगातार एक गांडीव उठाकर हमारे पीछे और एक ही ध्येय अर्जुन के मछली की आंख की तरह कि कैसे इस सेमिनार को हम लोगों के लिए उपयोगी बनाएं। इतनी पीड़ा वाला डॉक्टर मैंने कभी देखा नहीं, जिसका दिल हमेशा धड़कता हो, वैसे तो दिलों का इलाज करते हैं वो लोग, परंतु जिनका दिल धड़कता हो कि मानवता में कैसे संस्कार, कैसे सभ्यता को हम आरोपित कर सके। इसके अलावा सभी जुड़े स्पीकर्स,
सभी जुड़े विद्यार्थी, सभी जुड़े प्रोफेसर्स। अभी अभी हमने डॉक्टर अमित रंजन को सुना, सुनकर बड़ा अच्छा लगा और मन में ख्याल आया जैसा उन्होंने कहा कि गीता को कुछ लोग इतिहास मानते हैं, गीता को कुछ लोग पुराण मानते हैं, गीता को कुछ लोग महाकाव्य मानते हैं, गीता को कुछ लोग उपनिषदों का हिस्सा मानते हैं, गीता को महाभारत का हिस्सा तो माना ही गया है। परंतु मेरा ये मानना है कि गीता को कुछ भी मानिए परंतु गीता में पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक जो कुछ हुआ, यदि हम उस जर्नी को देखें कि कहां एक तरफ अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर कहता है सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, मेरे जो गात है, मेरा जो शरीर है वो कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, विपुत्र च शरीरे मैं रोम हर्ष च जायते, मेरा रोम रोम खड़ा है, गांडीव संस्ते हस्तात, मेरा गांडीव सरक रहा है, और त्वक च परिदहते, और मेरी जो त्वचा है वो जल रही है। एक तरफ अर्जुन की ये स्थिति है और दूसरी तरफ जब अंत में अर्जुन कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह गया, स्मृति लब्धा, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया, संदेह मेरे सब संदेह चले गए हैं। परिचय वचन को नौकर आया पहले को डॉक्टर प्लीज चेक सिस्टम वी कुड नॉट द लास्ट फ्यू सेंटेंसेस यू आर म्यूटेड फॉर लास्ट वन मिनट आई रिक्वेस्ट द अदर पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ Sir, please continue. Thank you, ma'am. I am sorry for the interruption which ever happened, but let us go ahead. जैसा मैंने कहा कि गीता एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो एक कंफ्यूज्ड अर्जुन से शुरू होती है और अंततः अर्जुन ये कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरे सब मोह नष्ट हो गए हैं और मैं अपनी स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं और अब मैं आपके आदेशों को मानने के लिए तत्पर हूं। दिस इज द चेंज। और कोविड समय में हम सब ने जितना झेला, जितना मेडिकल प्रोफेशन के लोगों ने झेला, जितनी विपदा उन पर आई शायद ही किसी और व्यक्ति पर आई होगी, क्योंकि हम सब लोग एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जिसके बारे में अनसर्टेनिटी थी, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था, जिसके इलाज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी शुरू शुरू में, परंतु फिर भी हम सब ने उस लड़ाई को लड़ा और उस लड़ाई में लगभग सफल होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप इसलिए सब बधाई के पात्र हैं। कोविड मैनेजमेंट में गीता का क्या रोल हो सकता है? कोई भी चीज मैनेजमेंट की एक प्लानिंग से शुरू होती है। और यदि हम गीता का पहला श्लोक देखें, पहला श्लोक शुरू होता है धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र ने कहा, यानी गीता जैसा ग्रंथ एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होता है। और अक्सर
हमारे सभी धर्म ग्रंथ किसी ना किसी अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से शुरू होते हैं, और यदि अंधे व्यक्ति ना हो तो शायद ये धर्म ग्रंथ ना भी बने। अब अंधे से मेरा अभिप्राय, मैंने 29 लगभग 30 साल अब अंधे लोगों की सेवा की, उपचार किया, और अचानक से आज से 3-4 साल पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने पूछा कि डॉक्टर साहब, इस दुनिया में आंख से अंधे लोगों की संख्या ज्यादा है या जो आंख होते हुए भी अंधे हैं उनकी संख्या ज्यादा है? इस केवल एक प्रश्न ने मेरे जीवन को बदला। मुझे लगा कि तूने 30 वर्ष केवल 2% लोगों का इलाज करने में निकाले, बाकी 98% लोगों का क्या? उन 98% लोगों के लिए गीता जैसे ग्रंथ उपयोगी हैं। इसीलिए कहा जाता है उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। गीता केवल एक उपदेश नहीं है, एक पूर्ण उपचार है। यदि हम इसको साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो इट्स ए कंप्लीट साइकोलॉजिकल थेरेपी विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एंड एंड्स इन द 18th चैप्टर। एज आई सेड, गीता धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होती है और पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मामकः पांडवश्च किम कुर्वत संजय। यानी अब धृतराष्ट्र की ये सोच देखो कि अभी कह रहा है मामका या च पांडवा, यानी पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र। यदि धृतराष्ट्र ये सोच लेता कि उसका छोटा भाई अब नहीं है और उसके पुत्र भी मेरे पुत्र हैं, यदि हम समाज में केवल इस सोच को समाप्त कर सकें मामका पांडवश्च, और हम पेशेंट्स का इलाज करते समय अगर ये समझ सकें कि पेशेंट अलग नहीं है, पेशेंट भी मेरा ही रूप है, मामका पांडवश्च की प्रवृत्ति यदि हम मरीज के साथ समाप्त कर देंगे तो शायद जिन परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं उनसे जूझना हमें नहीं पड़ेगा। और यही बात गीता हमें सिखाती है। और यदि मैं इसी श्लोक का थोड़ा सा रीफ्रेम करूं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अगर मैं ये कहूं क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, यदि हम जिस क्षेत्र में भी हैं, चाहे हम डॉक्टर्स हैं, चाहे हम फार्मासिस्ट हैं, चाहे हम इंजीनियर्स हैं, चाहे हम अकाउंटेंट्स हैं, व्हाटएवर वी आर, यदि उस क्षेत्र में हम अपने कर्म को धर्म समझ कर करें तो निश्चित रूप से हमारी कार्य करने की शैली भी बदलेगी, उसकी दिशा भी बदलेगी और हमारी और देश की दशा भी बदलेगी। और एक बात और जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि मैंने अपने प्रोफेशन में जब शुरू प्रोफेशन किया तो लोग पूछते थे कि डॉक्टर साहब आंख बनाएंगे निगाह कितनी आएगी, तो मैं ये कहता था कि पूरी आएगी बिकॉज आई वॉज श्योर अबाउट माई सर्जरी। बट जब मेरी कुछ बेस्ट ऑपरेटेड आईज एंडेड अप इन एंडोप्थेल्माइटिस, यानी वो समाप्त हुई, और कुछ बुरी ऑपरेटेड आईज बहुत अच्छी निकली, तो मुझे लगा कि तू कुछ नहीं है, करने वाला कोई और है। और ये कोई हमारी फिजिकल आईज नहीं है, कोई भीतर की आंख भी है। उस भीतर की आंख का इलाज गीता करती है, उन अंतर चक्षुओं को गीता खोलती है, ये हमें समझना होगा। और यदि भीतर की आंख से व्यक्ति ना देखता होता तो सूरदास जी का उदाहरण है हम सबके सामने, जो रोज एक पद लिखते थे, भगवान कृष्ण की व्याख्या करते थे, अंधे थे परंतु भगवान के स्वरूप के सामने बैठते और रोज एक पद लिखते। अब राजा को लगा कि सूरदास जी के मन में एक छवि बनी है, ये उसी छवि को लिखते रहते हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि आज भगवान की मूर्ति का कोई श्रृंगार न किया जाए, फिर देखते हैं कि सूरदास क्या लिखते हैं। और जो सूरदास ने उस दिन लिखा वो हम सबके जीवन को बदल सकता है। सूरदास ने लिखा, सखी देखियो आज अचंबा, हरी देखियो नंगम नंगा। यानी सूरदास अपने अंतर चक्षुओं से देख पाते थे,
ये चीज, ये उदाहरण हमें ये समझाता है कि देयर इज मच मोर. ये जीवन दो पटड़ियों पर चलने जैसा सीधा नहीं है. देयर इज अ थर्ड फोर्स एंड वी हैव टू रिमेम्बर दैट थर्ड फोर्स. और उस दिन के बाद मैंने सबको ये कहना शुरू किया कि मैं तो आंख बनाना मेरा काम है, निगाह देना प्रभु का काम है. और जिस दिन से मेरी ये सोच बदली, मेरे काम में परमात्मा का आशीर्वाद बढ़ता चला गया. और जैसा मैंने कहा कि पहली चीज है प्लानिंग, तो धृतराष्ट्र भी प्लान करना चाहता है, देखना चाहता है. और दूसरी चीज है कि जब भी कोई हम काम करें तो उसको हम ऑर्गेनाइज करें, इंस्पेक्ट करें. और जो अगले श्लोक शुरू होते हैं संजय उवाच से, उसमें दृष्ट्वा तो पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम एब्रवीत. अब ये श्लोक जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मेरा ये मानना है कि उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन आचार्य के पास राजा बनकर जा रहा है. पर यदि वो आचार्य के पास श्रद्धा भाव से जाता, एक गुरु के भाव से जाता, तो शायद उसकी सोच बदलती. परंतु दुर्योधन युद्ध के मैदान में भी, जहां उसे पता है कि उसको आचार्य की, द्रोणाचार्य की, कृपाचार्य की, सबकी आवश्यकता है, परंतु फिर भी राजा के पास, दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाकर राजा जैसे वचन कहता है. ये हमारी ईगो है, और इस अहंकार को समाप्त करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. कई लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं कि संजय इंद्रप्रस्थ में बैठे थे, वो कैसे देख पाए कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है. There is something called clear voice and clear audience, which the medical profession also agrees to. And these two powers, believe me, all our rishis have had with them. और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम सबके अंदर सुप्त शक्तियां हैं, और शिक्षा का उद्देश्य उन सुप्त शक्तियों को जागृत करना है. और ये सुप्त शक्तियां जागृत हो सकती हैं जब हम कुछ ऐसा आचार विचार करें जैसा आज हम कर रहे हैं. हम ना केवल मेडिकल साइंस में बच्चों को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, परंतु हम उन्हें मेंटल आर्ट, यू सी देयर आर टू थिंग्स. वन इज मेडिकल आर्ट विच वी नॉर्मली टीच टू द स्टूडेंट्स, बट देयर इज नथिंग अबाउट द मेंटल आर्ट विच वी आर टीचिंग इन मेडिकल प्रोफेशन. एंड बिलीव मी, आचार्य द्रोण ने अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया, और सबसे बड़ा धनुर्धर जब युद्ध के मैदान में खड़ा है और स्वजनों को देखता है, उसका भी मोह जागृत होता है, उसका भी शरीर कांपने लगता है. और यही हम सबके साथ होता है जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं. और COVID-19 सिचुएशन ने, मुझे बड़ी खुशी है, डॉक्टर जैन ने डॉक्टर अर्जुन की संरचना की, बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर्स के साथ हुआ. डॉक्टर्स की मनोस्थिति भी वही थी जो अर्जुन की मनोस्थिति थी. परंतु दुख का विषय ये है कि हमारे पास मेडिकल टीचर्स तो हैं, परंतु कृष्णा जैसा कोई टीचर, जो कंप्लीट टीचर, जो ना केवल हमें मेडिकल आर्ट की ट्रेनिंग दे परंतु मेंटल आर्ट की भी ट्रेनिंग दे, वो उपलब्ध नहीं है. और मेरा ये मानना है कि जो डॉक्टर रामन और लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने आज ये प्रयास किया है, ये स्टूडेंट्स के अंदर मेंटल आर्ट की ट्रेनिंग देने में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. और यदि हम ऐसा कर पाए तो हम एक ऐसे डॉक्टर्स पैदा करेंगे, फिर चाहे कोविड आए, चाहे कोविड का कोई फूफा या मामा आए, तो ये मेडिकल प्रोफेशन ऐसे ही खड़ा रहेगा जैसे आज खड़ा था. और ये लोग कितनी ही बातें कहें, परंतु हमने अपने परिवारजनों की, हमने अपने रिश्तेदारों की किसी की परवाह ना करते हुए, मुझे याद है कि कितने कितने लोग कितने कितने दिन घर नहीं गए, सिर्फ अपने कोविड वार्ड में ड्यूटी देते रहे, क्योंकि उन्हें पता था यदि घर जाएंगे और वो एक्सपोज्ड हैं तो उनके माँ बाप भी एक्सपोज हो सकते हैं. मेरे बच्चे पूना में मेडिकल प्रोफेशन में, मेरा बेटा पढ़ता है, वो घर नहीं आया 6 महीने, इसलिए कि कहीं मम्मी पापा को एक्सपोजर ना हो.
ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स जिन्होंने कोविड के समय में जी तोड़ मेहनत की और अपने, मैं तो ये कहता हूं, स्वतंत्रता सेनानियों ने एक तरफ जहां गीता उनके लिए प्रेरणा का काम किया, चाहे वो खुदीराम बोस थे, चाहे मदनलाल धींगड़ा थे, चाहे गांधी जी का नाम लिया, चाहे लोकमान्य तिलक थे, चाहे भगत सिंह थे, चाहे करतार सिंह सराबा थे, जो सब लोग गीता जी को अपनी प्रेरणा बना पाए, मेडिकल प्रोफेशन भी यदि गीता जी को अपनी प्रेरणा बना पाया तो हम भी जो वॉरियर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए इतने समर्पित भाव से कार्य करेंगे। आज भी हमारे देश ने आत्मनिर्भरता में और मजबूती में कोई कमी नहीं दिखाई, पूरे विश्व का सहयोग किया और जिस ढंग से मानवता खड़ी हुई कोविड के समय में, वो गीता जैसा ज्ञान क्योंकि हमारी पृथ्वी पर है। लोग कहते हैं यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती क्या है, वो कौन सी बात है? वो बात है गीता जी, वो बात है रामायण की प्रेरणा, वो बात है हमारे वेद, वो बात है हमारे उपनिषद, वो बात है हमारी सभ्यता, वो बात है हमारी संस्कृति, वो बात है हमारे संस्कार, जिनके कारण जब पूरा विश्व इस बीमारी से दहल रहा था, कांप रहा था, भारत फिर भी खड़ा हुआ और खड़ा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसा मैंने कहा कि हम बच्चों को करिकुलम टीचिंग तो बहुत देते हैं, परंतु प्लीज नोट, वी आर डूइंग अ लिटल ओनली फॉर एटीट्यूड बिल्डिंग, एंड बिलीव मी, एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वी हैव लीस्ट tried to develop the positive attitude in the students. You see, in all around negativity is there, but still if you find some positivity out of it, that will be wonderful. Aur Gita hame curriculum teaching ke alawa attitude building mein sahyog karti hai, aur jis din hum apne attitude building par logon ka zor denge, mujhe yaad hai ek survey jo 400 blue chip companies ka hua, unse pucha gaya कि आप किन कारणों से व्यक्ति को लगाते हैं या हटाते हैं। उनमें जितने भी कारण बताए, उनकी चर्चा का समय नहीं है, परंतु मैं ये कहता हूं कि 70% जो कारण उन्होंने किसी व्यक्ति को लगाने या हटाने के लिए बताए, वो हमारी सकारात्मक सोच से संबंधित थे, क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी, एज वी थिंक सो वी एक्ट, वैसा ही हम कार्य करते हैं, और जो कार्य हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट्स बनता है, और जो हमारी हैबिट्स होती हैं वही हमारा करेक्टर बनाती है, और करेक्टर से ही हमारी डेस्टिनी बनती है। सो हमारी डेस्टिनी हमारे थॉट्स पर आधारित है, और गीता जैसा ग्रंथ हमारे थॉट्स को ओपन अप करने में, थॉट्स को पॉजिटिव बनाने में हमारी मदद करता है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बातें बहुत हैं पर मैं जल्दी समाप्त करूंगा, मुझे लगता है 5 मिनट का समय मेरा बचा है। मनी मीन्स वर्सेस मेंटालिटी, यू सी, आज हम पैसे की बात करते हैं, भौतिकता की बात करते हैं और मींस की बात करते हैं। जब भी किसी कोई कहीं ज्वाइन करता है तो कहता है मेरा कमरा ऐसा हो, मेरी ये चीजें ऐसी हो, मेरे मींस कैसे हो, परंतु हम कोई भी मेंटालिटी की बात नहीं करते। यदि आप गीता और महाभारत को देखो तो दुर्योधन ने तो पूरी नारायणी सेना मांगी, परंतु अर्जुन ने केवल भगवान कृष्ण को माना, और जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मजाक करते हुए कहा कि हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची मेरे पास, तो जो अर्जुन ने जवाब दिया वो हम सबके जीवन को बदल सकता है। अर्जुन ने कहा जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। यानी ये मेंटालिटी जिस दिन हमारे अंदर पैदा होगी, उस दिन हमारी जीवन के प्रति दृष्टि बदलेगी। गीता हमें सिखाती है कि हम अपने प्रोफेशन को डिवोशन में कैसे बदलें, हम अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में कैसे बदलें, हम डिस्ट्रैक्टेड हैं जो आज की जनरेशन, जो आज का यूथ, उसको कैसे फोकस में वापस लाएं, ये गीता हमें सिखाती है। बाकी सभी पुस्तकें साइंस की हमारे अंदर व्हाट, वेयर, When, how, whom, whose पैदा करती हैं, परंतु गीता हमारे अंदर want पैदा करती है, जिज्ञासा पैदा करती है, और ये जिज्ञासा ही
हमें जीवन में आगे ले जाती है। आज सूचना क्रांति का युग है, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, परंतु इंफॉर्मेशन नहीं, हमें नॉलेज और विजडम चाहिए। वो नॉलेज और विजडम गीता से हमें मिलती है, जो एक और विकृति हमारे अंदर आई कि हम सब लोग अपने आप को टीचर कहलाने लगे। भारत का स्वर्णिम युग हम सबके लिए गुरु शब्द का प्रयोग करता था। गुरु का अभिप्राय गु और रु, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो हमें बूंद से मोती बनाए, ऐसा गुरु हमें चाहिए। और हम सब यदि अपने आप को अपने बच्चों के लिए एक गुरु रूप में प्रेरित कर सके तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलेगा। और जैसा मैंने कहा, गीता हमें एक्सट्रीम नेगेटिव से एक्सट्रीम पॉजिटिव की तरफ ले जाती है। और एक सबसे बड़ी बात कि गीता हमें ये सिखाती है कि हम जीवन में जो भी करें, यदि हम भगवान को अर्पित करके करें, जैसे संजय ने कहा अंत में कि व्यास प्रसादात, यानी व्यास के प्रसाद से जो मुझे मिला, गुह्यम अहम परमम, मतलब जो गुह्य ज्ञान मुझे मिला वो व्यास जी की कृपा से मिला। और ऐसे ही अर्जुन कहता है अंत में कि त्व प्रसादात, यानी हे भगवान आपके प्रसाद से जो मिला। इसलिए हमें अपने जीवन में भगवान को जो कुछ करें भगवान को अर्पित करके करें। हम कुछ नहीं है करने वाला, करवाने वाला एक परमात्मा है। और एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि जब भी हम कभी संग मांगे, संगति मांगे, बाकी सब इस दुनिया में छूट जाएगा, परंतु परमात्मा की संगति कभी नहीं छूटेगी। उमर खयाम एक और उमर खयाम एक दिन जंगल में जा रहे थे, शिष्य साथ था, नमाज का समय हुआ, नमाज पढ़ने लगे, शेर सामने आया और उनका शिष्य शेर से डरकर पेड़ पर चढ़ गया, परंतु उमर खयाम अपनी नमाज पढ़ते रहे और अंततः शेर वापस चला गया। उमर खयाम आगे चले, शिष्य भी साथ चला। थोड़ी दूर चलकर उमर खयाम ने जोर से एक चाटा अपने गाल पर मारा। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव क्या हुआ, उन्होंने कहा कुछ नहीं एक मच्छर था। अब शिष्य और भी विचलित हुआ कि कहां, तो एक शेर आया तो ये अविचलित रहे और जब मच्छर आया तो इतने विचलित हुए कि जोर से चांटा अपने मुंह पर दे मारा। तो उमर खयाम से शिष्य ने भेद पूछा और जो उमर खयाम ने जवाब दिया वो हम सबके जीवन को बदल सकता है। उमर खयाम ने कहा कि देख, जब मच्छर आया तो तब मैं तेरे साथ था और जब शेर आया तब मैं परमात्मा के साथ था। यदि हमें विचलित नहीं होना जीवन में तो परमात्मा का साथ ढूंढना पड़ेगा। और परमात्मा के साथ को ढूंढने का सबसे उत्तम उपाय, यदि हम गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में अपना पाए, क्योंकि गीता की टीचिंग्स ऐसी टीचिंग्स हैं जो हमें मानव से महामानव बना सकती हैं। और अंत में चार लाइनों से अपनी बात समाप्त करता हूं। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, गीताश्री जिंदा रख, शहनशाह भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी छूट जाए युद्ध के मैदान में, भले ही गांडीव तेरा मगर कृष्ण कृपा मिलने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। इसी उम्मीद के साथ कि ये हमारा वेबिनार बच्चों के अंदर और टीचर्स के अंदर एक ऐसा भाव पैदा करेगा जिस भाव से हम इस देश को, इस मेडिकल प्रोफेशन को पुनः उन बुलंदियों पर, उन ऊंचाइयों पर ले जा सके। जैसा मंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर के अंदर दूसरा भगवान देखता है, तो वाक्य में ही यदि हम दूसरा भगवान अपने अंदर दिखाना चाहते हैं तो हमें इन टीचिंग्स के साथ, इस अध्यात्म के साथ, भारत के अध्यात्म के साथ जुड़ना होगा। आप सब ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I am once again sorry for the interruption which happened in between and the flow which I couldn't give it to you. Thank you very much. Thank you so much, sir. You have integrated beautifully medical. You have integrated beautifully the medical profession with ethics. Here I would like to say that for the past 7 months at RML Institute, we have been conducting the medical ethics seminars under able leadership of Dr. Ritu Karoli, Professor of Medicine, and we have strived.
because we in our university are devoting half an hour daily from 8 to 9 because university starts at 9, but everybody reaches at 8:30 to participate in all such activities. They are not only related to Gita, but all the Indian scriptures which are available. Very inspirational, sir. But today's seminar, thanks to Director sir and Jain sir, we know now that all the ethics that we have been talking about, pro-work ethics, patient-centered care, perceptive knowledge, attitude, it all, this is all something that we can readily gain from discourses with the Gita. And it was very nice listening to you, sir. Thank you so much for your talk. And I think we should not give too much importance to the glitch in between. I think we can thank IT that we have been connected to you sitting geographically so far. Thank you so much, sir. Another Karam Yogi now that I can request to present. The Gita says that the Karam Yogi perform action only with their senses, mind, intellect, and body, without the feeling of mine in respect of them. So the next speaker, I think, totally embodies this shloka from the Gita. Mr. Dantu Murali Krishna, he's a PhD in chemistry, and he's retired as a senior general manager from a reputed pharmaceutical companies. It has been his life mission to make Gita available to the general public in different formats, and also free at cost. He has used his own resources to publish books and articles in national and international journals. He has made audio albums of Bhagavad Gita titled as Sambhavani Yuge Yuge, available in multiple languages. And for this, he has been awarded Vishisht Sanskrit Seva Vritti from Minister of Human Resource Development, Government of India, apart from a number of other awards given to him. It is an honor today to listen to you, Dr. Dantu Murali Krishna. Sir, can we have you now? So you can unmute yourself. Am I audible, madam? Yes, sir, you are. Greetings to all of you. And first of all, I'm very much thankful to the organizers and particularly Professor A.P. Jain for giving me this chance to say a few words on Bhagavad Gita with relevance to the medical practitioners. Yes, everybody said that doctor is God. We all treat doctor as a God in our society. So actually 5,000 years back, this Lord Krishna explained Gita to the great warrior Arjuna in the battlefield. Now Dr. Arjuna is here. Why I'm calling Dr. Arjuna? Because in the last 1 year we have seen the present situation. It's not very positive. But our doctors, they stood, and we all experienced how they treated the people and how they saved the lives of many people. It's really a very appreciable job. So Dr. Arjuna is not less than a warrior, Arjuna. So I am calling Dr. Arjuna today. So in spite of a lot of tensions, pressures because of the pandemic, Dr. Arjuna, even leaving the family, and they spend almost maximum time at hospitals, clinics, and less time at home, and that with isolation with the family members also. So a lot of terrific stress, pain, tensions, they all the time they experience. In spite of that, their services for the last 1 year, very, very appreciable. We all experienced that. So, but in Gita, how to get rid of our tensions, how to control our stress, how to manage our stress, lot about for the stress management is described in Gita.
And few I would like to hear cover those shlokas. I thought I'll recite the shlokas with a little musical touch so that you may like them. Will be a little present for all of you. The few characteristics are all very much required, whether it's a warrior, whether it's a doctor, for all of us, in fact, depending on our profession, even for normal people also. The character is very much important, as the way Dr. Markandeya told about the attitude. Attitude means character. Character comes, then attitude almost it will form the right attitude to deal the job. So in Gita, Krishna explained in one shloka about the characters required for a warrior. Those are all leadership qualities. Those are we can apply for Dr. Arjuna also. That shloka is in the 18th chapter, 43 verse. Sauryam tejo dhrutir dakshyam yudhe chapya palayanam danamishvara bhavascha kshatram karma svabhavajam. Here Krishna was explaining about the heroism, power, determination, the firmness and resourcefulness. Most important is the courage. And the Dr. Arjuna should have the courage to treat the people. Because Dr. Arjuna should not have any fear. Should have the courage to treat the patient, to cure the disease. And he cannot be away from the field. He cannot be away from his job. He has to perform his job. Whatever the kind of the disease it is, we have seen that the pandemic is very contagious and one should not get the exposure. But in spite of that, our Indian Dr. Arjuna really spent a lot of time with dedication and has saved many lives. And here the courage is most important. These are the natural qualities of required for the Dr. Arjuna. So we can apply all those characters for Dr. Arjuna, so to stand in the medical field in front of the professions to deal in a proper way for the cure of the patients. In continuation of that, even Krishna explained that bhayadranaduparatam mansante tvam vaharatha yesham chetam bahumato bhutva yasyasi laghavam. Here, Arjuna was a great warrior. And here also there are so many great doctors are there. And they are very highly esteemed in their profession. They have very good name and fame. And if they have the fear, and if they don't do their duty, and other doctors, other citizens, other patients, how they feel about that doctor? Because Dr. Arjuna is very highly qualified and knowledgeable, Dr. Arjuna. So he will lose his name, fame, and everything. So it should not happen. So Dr. Arjuna should have the determination and the courage, and without any fear, without any attachment, without any anger, should have a lot of patience, and should do the justice to his profession while treating the patient. That's what the essence of this shloka. And another shloka further explains almost the same. If Dr. Arjuna doesn't perform that, what will happen? Akirtim chapi bhutani kathayishyanti devya sambhavitasya chakirtihi maranadati vichyate. What Krishna said here, that people speak not so many stories about you if you don't perform your duty. They will make many stories about you. You are a very famous person. You have highly reputed person, but
If you don't perform this duty, whatever the reasons, whatever the stress you may be having, whatever tensions you may be having because of your family or because of innumerable patients you have in front of you, around you, how to treat all those patients, you may want to do your duty, but because of the tensions, stress, you may not perform in a proper way. So that will cause injustice to your profession. So people will make the stories. So you will lose your name, fame, everything. So you are highly qualified. You should not do that. You should do justice for your profession. You should do your duty. So this is the kind of words what Krishna told to the warrior Arjuna. All those words are applicable to Dr. Arjuna also here at this context today. So because people will treat you insignificant otherwise. So you have to do the justice to your profession and your duty. That what is told. And in fact, that Dr. Arjuna have to deal the patients in time. Because even warrior Arjuna, we see, in advance, the warrior Arjuna prepared himself for the war, for the battle against the opponents, the Kauravas. But once he reached the battlefield, he lost all the courage, all the spirit. He was in deep depression by seeing his own people and by visualizing the consequences of the battle. And he was thinking of the damage to the whole dynasty. So he was thinking so many things. So he was totally lost the total spirit. So then Krishna explaining that this is the time to handle the situation. This is the crisis period. You have to act on your duty. There is a shloka, even for the that is applicable to doctors also. The shloka says that. Kutasva kasmalamidam vishame samupastitam anarya jushtam asvargyam akirtikaram arjuna. Again, Krishna was telling, this is the crisis time. The situation is demanding. The time is demanding you. At this point of time, you should act. You should not do any delay. But because similarly, Dr. Arjuna also has to handle the case at right time, at appropriate time. He cannot miss the time. He cannot lose that time. Otherwise, after that time, the patient may not be available with life. So at appropriate time, doctor has to utilize the complete knowledge and the treat and save the life. So Dr. Arjuna has follow the time and follow the as per the demand of the time. So this is the thing what Arjuna was facing that. So here Dr. Arjuna, because of the tremendous stress these days, it's very difficult to deal his own mindset because of the different thoughts. He loses sometimes, anyone, because Dr. Arjuna also is a human being. We all know that. So we have to respect the feelings and emotions of and the situation of the Dr. Arjuna also. We respect. So to deal the situation, what Krishna told that, you should not have the innumerable thoughts, innumerable aims with you. You should have the one aim, one goal, to avoid the stress. So one by one you have to deal so that you can do the justice with utilizing the complete knowledge on your job. Again, that the shloka says that Vyavasayatmika buddhi Yeke hai kuru nandana bahusakha anantascha buddhayo vyavasayina. Krishna was suggesting you should not have innumerable aims with innumerable desires. You should have one aim, one goal,
and with full determination and firmness, you should deal that your target, whatever in your hand. Then after that, you have to take up the another one. So doctor must be having the so many patients, he should not get that confusion. And at a time, one, he should treat and he should do the justice rightly and utilizing the full knowledge. So that without any mental tensions, without having any stress while dealing the patient. So that way, it will be helpful and utilize complete knowledge to Dr. Arjuna. So that is the thing. So how to deal the stress? Krishna was explaining that. We have to equally treat all the dualities, whatever the sorrows, happiness, everything should be dealt with equality. You have to treat equal everything. So you can manage the stress, all the tensions, you can come out of those stress and tensions, you can do the justice. That another shloka says that dukheshu anudvigna manaha sukheshu vigata spruhaha vitaraga bhaya krodhaha sthitadhir munirucyate. Here Krishna was describing about the stable mind. Unless you have the stable mind, you cannot deal the situation. You cannot do proper treatment as Dr. Arjuna. Because unless you control your mind first, you cannot act on your job. That's what you say. So because you have to be detached with all kind of affections, feelings, you should come out of the fear, you should come out of your anger, you should come out of your depression, and you should get the peace of mind. So you should come out the all the tensions and get the stable mind so that you can treat the patient rightly and you can cure that disease. But it will be very difficult. Even Krishna was also saying that how to control and how to manage the stress will be very difficult. Even the qualified doctors have a lot of knowledge, really. But once the doctor have all this kind of stress and tensions and feelings, emotions, the knowledge is covered by all those feelings and emotions. That knowledge is of no use that time. The knowledge will not come out because of the tensions and stress. The another shloka, they said, dhume navriyate vahnihi yatha darso malenacha yatholvena vruto gadbhan tathate nedamavrutam. Here, Krishna was saying that the way the mirror is covered with the dirt, the way the embryo is covered by the womb, the knowledge is covered by this ignorance, all your tensions, stress. So it is knowledge is covered. So you should come out of all kind of depressions, tensions, and stress. Then you can act using complete knowledge, and then you can justify your job. But Krishna at the same time was saying it is very difficult to control the mind. It is very difficult, but it's possible. In another shloka, explaining that, asamsayam mahabahu manodurnigraham chelam abhyasena tu kaunteya vairagena chigruhyate. Here he was suggesting to have the peace of mind, to control all the emotions, stress, tensions, everything, to come out of them. So there are only two ways. One is the detachment, other is the practice. We have to be detached with all these desires, tensions, and the emotions, feelings. So innumerable aims, innumerable desires, we should come out of them and we have to practice them. So gradually we can elevate ourselves and we can do justice on our job.
So many things, many shlokas it was described. In fact, when Arjuna started his came to the battlefield, the mindset of the Arjuna was different. And once Krishna explained the whole Gita, after listening the teachings of Krishna, his mindset was different. He was ready himself to fight against the opponents. He got the regained the spirit. He regained the wisdom. And the Bhagavad Gita helps a lot. If you can, I suggest that Bhagavad Gita should be the part of the syllabus for the medical college students, so that they can develop that mindset. They can frame themselves and they can act while they grow and they deal the people while giving their treatment, and they can make it as a habit and they can relate all the shlokas and the teachings of Gita to their profession. They can correlate and bring into the practice gradually. So it should be the part of their syllabus, in the particularly in the medical colleges and for the medical students. So that is a difference for even the warrior Arjuna. And many speakers told that the chapter 18 in the 73 shloka, Nashto Moha Smritir Labdha. Lastly, I will say that shloka, I will end up. Arjuna was telling Krishna, after listening entire teachings of Krishna, he absorbed. The most important is that Arjuna was the best student. Without any irritation, and Krishna was the best teacher. There was no irritation, there was no conflicting at all. So everything Arjuna absorbed. So even the student, the medical student, has to understand the Gita while reading or while listening. The student should understand that Krishna was telling. So, and himself, he should feel that I'm the Arjuna. So then he can absorb and he can feel like Arjuna. So Arjuna was telling the battlefield at the end. Nashto moha smritir labdha tvat prasadam maya chyuta sthitosmi gata sandeha karishye vachanam tava. He was saying that, Krishna, by your grace, all my delusions have been destroyed. Because of your mercy, I regained my memory. I am free of all the doubts. I am prepared to act as per your instructions, Krishna. He told that, actually, Arjuna was a great warrior. He has great knowledge, talented person. But beginning of the war, he lost everything. So today, doctor also is very qualified doctors we have. And they are very talented, skilled, a lot of knowledge. But because of all the emotions, feelings, tensions, stress, with innumerable thoughts, innumerable desires, as we discussed, that knowledge is caused by many things. So we have to control all the emotions, feelings, and we have to stabilize our mind so that we can do the justice. Dr. Arjuna can do the proper justice to his profession and act the way the warrior Arjuna acted at the end after listening the teachings of the Krishna. So Dr. Arjuna also can get the exposure and experience from Gita, and by studying the Gita and by listening the Gita from the scholars, so he can set the mind frame in such a way so that he can bring it all those teachings gradually as a practice in the their profession, so that really the Dr. Arjuna can act as a god. So the patient has a lot of trust on Dr. Arjuna. Dr. Arjuna is the most happiest person, I can say, when the patient got cured and gone to the home. So Dr. Arjuna, really, we have many Dr. Arjunas in our society. All those Dr. Arjunas really feel happy when the patient get cured and safely gone to the home. So that Dr. Arjuna is the ideal Dr. Arjuna,
And we have many those Dr. Arjuna's in our society. That's why we could really, in India, we face the pandemic in a very rightly, and the doctor whole community really served a lot to the society. And we are all very thankful to those doctors who served to our society, and gradually almost the cases are also coming down in India. It's because of the doctors. We should appreciate, and I'm very, very thankful to all those doctors, community. And once again, I'm thankful to the all the organizers for giving me this chance. Thank you very much. Jai Sri Krishna. Thank you so much, sir. I think all of us were really mesmerized by your lyrical renditions. It was really our honor to be listening to you. So your emphasis that today's Dr. Arjuna should be completely rid of attachment, fear, and anger, and having that emotional equipoise, I would now like to request Dr. A.P. Jain sir to please welcome Swamiji, as I think there is he has certain engagements. So we would request Dr. A.P. Jain sir to please welcome Swamiji first. My apologies, Professor Jaskiran Kaur. Swamiji Paramapuj ne unko thoda sa swasth ke wajah se wo kaafi lambe samay tak, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इतना रोचक है और थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, तो विद ऑल ड्यू परमिशन फ्रॉम प्रोफेसर जसकिरण कौर आई वुड लाइक टू इनवाइट स्वामी जी, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा उठना चाह रहे हैं और फिर वो दोबारा से थोड़ा बाहर लेके फिर आने चाहिए, तो कैन आई हैव योर परमिशन मैडम? मैडम जसकिरण आपका आशीर्वाद मिलते हैं. No problem, sir. No issues at all. Actually, your voice was not properly audible. Some disturbance was there. Technical glitches होते रहते हैं, पर गीता के आने साल में हम लोग, I think we are doing great. Right, sir. बाकी his voice was not clear. अब आवाज आ रही है डॉक्टर आहूजा? Is it better? Yes, sir. Now it's clear, please. अच्छा, ठीक है. अच्छा, नाउ स्वामी जी जो है गीता मनीषी महामंडलेश्वर, स्वामी जी को प्रणाम और सादर नमन हम सबकी ओर से. हम आपके आभारी हैं स्वामी जी, आपने इतना समय निकाला. स्वामी जी जियो गीता फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जिसकी सर्वत्र विश्वव्यापी रीच है, और ये श्रेय आजकल के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में स्वामी श्रद्धेय श्री ज्ञानानंद जी महाराज को जाता है कि उन्होंने गीता को इतना रेलेवेंट बनाया है और देश विदेश तक पहुंचा के इसको सही मामले में कर्म शास्त्र की उन्होंने संज्ञा दिलवा दी है. तो स्वामी जी का कृष्ण परिवार, श्री कृष्ण कृपा परिवार, गीता ज्ञानम संस्थान जैसी और अनेकों अनेक संस्थान है, और देश विदेश के बहुत ही आदरणीय है और ग्रेट ल्यूमिनरीज और डिग्निटरीज भी स्वामी जी के शिष्य हैं. मैं मैडम नववीर से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा उनसे अनुरोध है कि स्वामी जी का थोड़ा और दो लाइन में विस्तार पूर्वक प्रोफाइल बता के स्वामी जी को आमंत्रित करें उनके उद्बोध के लिए. थैंक यू सर. स्वामी श्री गयानंद जी महाराज इज अ पोर्टेंट ऑफ हार्मनी एंड अ हार्बिंगर ऑफ लव. He's a philosopher, a guide, a writer, a yogi, a social server. He is born in the city of Ambala in Haryana. And since his early childhood, he has been showing the seriousness and sincerity with spiritualism. After finishing his schooling, he went on to do double master's degree in political science. And despite all his degrees and post-graduations, he realized his calling, that what is death, what after death.
So this chase led him to his Guruji, Gurudev Guruji, Sri Gitananji Maharaj, under whose guidance he went into spiritualism and meditation for 8 years. And then he spent next 3 years in solitude meditating, where he gave birth to his inner guru, who he took on the responsibility of enlightening and helping us. He gave himself to the divine ideas of meditation, service, and dedication to humanity, satsang, seva, sumiran. He has been teaching the practical benefits of meditation and prayers and dealing with the problems and solutions that ail the daily life. And in 2012, as Dr. Jain mentioned, he founded the Jio Gita to make the all-pervasive and extremely useful knowledge encrypted in our holy book Gita. He tried to make it more comprehensible and applicable. His aim is to teach the virtue of life through Gita to everybody, from the youth of this country to the old. And in this endeavor further, we request you, Guruji, to please enlighten us with your words. I think we have been joined by institutes beyond Ramanohar Lohia Institute. Noida is also with us. So please, please enlighten us. Om, Om, Om. प्रपन्न पारिजाताय श्रोत्रवेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः, गीतामृत दुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के जो उपदेश स्थली है, ऐसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ही, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो निर्माण की प्रक्रिया में अग्रसर है गीता ज्ञान संस्थानम, यहीं से आज आप सबके साथ राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित इस वेबिनार के रूप में जुड़ने का ये संयोग बना है। और हमें इस बात का आनंद है कि आप सब भगवद गीता को लेकर आज एक विचार मंच के रूप में सब इकट्ठे हैं। वास्तव में हमारे लिए अत्यंत आनंद का विषय है, आह्लाद का विषय है। ये यहाँ के बहुत कर्मठ कुलाधिपति डॉक्टर ए के सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जैन जी और उपस्थित सभी जो भी मेडिकल लाइन से या अन्य अन्य प्रोफेशंस से जो भी शुभेच्छु जन जुड़े हैं, उन सब के लिए भी हमारी शुभकामना। हमें ये अच्छा लगा देख करके कि जितने भी स्पीकर, जितने भी वक्ता यहाँ बोल रहे थे, सबने भगवद गीता को ही फोकस करके अपनी बात कही। और जो एक विषय निश्चित हुआ कि गीता के आलोक में मेडिकल प्रोफेशन में एथिक्स, आचार विचार का कि क्या भूमिका है, क्या उपयोगिता है, इसको लेकर ये जो एक विषय भी रखा, वास्तव में ये विषय भी एडमायरेबल है, स्तुत्य है, वंदनीय है। और जिन जिन वक्ताओं ने जो बात कही, हमें बड़ा आनंद हो रहा था जब मिस्टर मुरली कृष्णा जो बोल रहे थे, और जिस ढंग से उस संस्कृत के श्लोकों का बड़े लयबद्ध ढंग से जो गायन कर रहे थे, मुरली कृष्णा जी अगर बैठे हैं तो हमारी बहुत बहुत
बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि गीता जी के श्लोकों के गायन का जो आपने आनंद दिया हमें, और निश्चित औरों को भी आनंद मिला होगा। और श्लोक भी कहां कौन सा मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जो श्लोक आपने कहा, दूसरे अध्याय का 56वां, दुखेश अनुद्विग्न मना सुखेश विस्प्रिया, वास्तव में अद्भुत। और कहीं बुद्धि का निर्णय एक हो, उसके लिए आपने जो दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक लिया, व्यवसायत्मिका बुद्धि, वास्तव में आपका श्लोक चयन भी अद्भुत रहा, अर्जुन को उद्बोधित करने के रूप में दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। हम बड़े ध्यान से प्रयास कर रहे थे कि हम सभी वक्ताओं की बात को सुन पाए। डॉक्टर जैन बैठे, उन्होंने हमें कहा कि आप, हमने कहा कि हम 15-20 मिनट इसमें रह लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप को पहले आप यदि सबको सुन लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आप रहेंगे। और वास्तव में डॉक्टर जैन जी को भी हम इस बात के लिए विशेष शुभकामना देंगे कि उन्होंने आग्रह पूर्वक हमें पूरे कार्यक्रम में बैठने के लिए बैठने का अवसर दिया। और हम सभी वक्ताओं को सुन करके, क्योंकि हमें तो लगता है कि किसी का नाम भी जब गीता होता है तो हमें तो वहां भी अपनी भगवद गीता दिखाई देने लगती है। कहीं किसी ने मान लो गीता शब्द कहीं कागज के पर लिखा हुआ नीचे पड़ा हो तो हमें लगता है कि ये गीता शब्द भी क्यों ऐसे नीचे पड़ा है कहीं, तो स्वाभाविक है। और इसलिए आनंद भी स्वाभाविक है कि जब जब गीता की बात होगी, और अन्य वक्ताओं ने भी प्रारंभ में जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी ने जो अपना विषय प्रारंभ किया, और उन्होंने ये कहा कि मुझे अपने कैरियर में भगवद गीता के समान कोई दूसरा साहित्य दिखाई ही नहीं दिया, उन्होंने अपनी बात यहां से प्रारंभ की, और वास्तव में ये बिल्कुल सत्य है। और उन्होंने 18वें अध्याय के 46वें श्लोक को कोट किया जो कहा मुझे बहुत प्रिय लगता है, और वो श्लोक एक ऐसा है जो अपनी जो एक अवधारणा रहती है, एक भाव रहता है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म पूजा है, ये अपनी भारतीय संस्कृति का एक स्वाभाविक भाव है। लेकिन हम ये कहते हैं कि कर्म केवल लिखने मात्र से पूजा नहीं बनेगा, कि आप अपने ऑफिस में लिख दें वर्क इज वर्शिप, कहीं चिकित्सालय विद्यालय पुस्तकालय इत्यादि में लिखा हुआ वर्क इज वर्शिप कर्म पूजा है, केवल लिखने से बात नहीं बनेगी। भगवद गीता का ये श्लोक 18वें अध्याय का 46वां जो सुरेश खन्ना जी ने कोट किया, वो वास्तव में स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, अपना कर्म पूजा बन सकता है कब, जब हम कर्म को स्वय के निमित्त से नहीं, केवल स्वार्थ के निमित्त से नहीं, केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, अपने अहम की तुष्टि के लिए ही जब हम कर्म नहीं करेंगे, जब हम ईश्वरीय भाव और व्यापक सोच लेकर के कर्म करेंगे तो कर्म पूजा बनेगा। ये बात ध्यान रखने की है। डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी ने जो अपने उद्बोधन में ये बात कही, और उमर ख्याम का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब हम ईश्वर से जुड़े होते हैं तो उसका क्या लाभ होता है, हमारे अंदर एक विल पावर बनती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन, हमारी हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी ग्रास्पिंग पावर, हमारी मेमोरी, और इस सब के साथ साथ हमारे अंदर के मोरल और जितनी वैल्यूज हैं जिनके अभाव में ये जीवन मनुष्य भी इसका सही उपयोग, सही सम्मान जो एक मनुष्य के रूप में जीवन का होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और उसमें क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वैल्यूज को सम्मान नहीं दे पा रहे। जब हम भगवद गीता के साथ जुड़ करके ईश्वरीय भाव को आगे रख करके कर्म करते हैं तो तब आप देखेंगे भले ही किसी भी तरह की वैल्यूज हो वो सब जीवन में अपने आप उतरनी प्रारंभ होंगी। और वैल्यूज के बिना आप देखें
जीवन में लाइफ वैल्यू से शुरू करें, हम जीवन मूल्य क्या होते हैं वो गीता में आप देखेंगे और वहां आप पाएंगे कि भगवद गीता ने जीवन को केवल शरीर तक नहीं सीमित किया। आज की मटेरियलिस्टिक साइंस ने जो जहां एक बेसिक ड्रॉबैक जिसे हम कह सकते हैं वो रही आज की मटेरियलिस्टिक साइंस में, जहां से शुरुआत एक होती है कठिनाई होती, वो है कि जीवन को केवल शरीर मान लिया गया। ये फिजिकल बॉडी ही अपने आप में कंप्लीट लाइफ है जो नहीं है। जहां फिजिकल बॉडी को ही जीवन मान लेंगे वहां बहुत सी चीजों से दूर हट जाए हो जाएंगे। वहां मन के विचार कहां जाएंगे? आप सोचें, बिना मन के विचारों के जीवन पूरा हो सकता है? और आप सोचें कि मन हमारा कमजोर है या मन कहीं उहा पोहा उधेड़ बुन में ही उलझा हुआ है, या मन केवल मेरे स्वार्थ पूरे करने तक, मेरी वृत्तियां जो अंदर होती हैं, कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं ईगो, ये वृत्तियां हैं। जीवन यहीं तक ही अगर सिमट जाएगा मेरे के घेरे में, तो कैसे जीवन का एक विस्तृत रूप हम ले पाएंगे? तो ये सब एथिक्स है कि मन के विचार शुद्ध हों, मन के विचार अच्छे हों। और गीता ने कहा कि आपके जीवन की स्थिति जो है वो आपके विचारों से आंकी जाएगी, क्योंकि एज यू थिंक सो यू बिकम। ये एक सीधा सिद्धांत है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते चले जाते हैं। तो फिर हम कैसे, जब ये सिद्धांत है और यूनिवर्सल फैक्ट है, कैसे हम और क्यों हम मन को अलग रख के कैसे हम जीवन को पूरा मान सकते हैं? तो मन के विचारों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद गीता ने एक श्लोक तीसरे अध्याय के अंतिम से पूर्व का श्लोक है, इंद्रियाण प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। ये एक परफेक्ट लाइफ की एक डेफिनेशन है गीता के अंदर कि पूरा जीवन क्या है। इंद्रिया सेंसेस ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग। उसके बाद गीता ने कहा उससे आगे मन है, इंद्रियेभ्यः परम मनः। क्यों? क्योंकि मन के विचारों के अनुसार ये इंद्रियां कर्म करेंगी। और मन से आगे गीता ने कहा मनसस्तु पराबुद्धिर, मन से आगे बुद्धि है। क्यों कहा? क्योंकि जैसा निर्णय होगा वैसा ही मन आगे प्लानिंग करेगा। ये गीता का जो है आर्ट ऑफ लिविंग कहो, जीवन जीने की कला कहो, या इसे आर्ट कहो परफेक्शन का, या आर्ट ऑफ मैनेजमेंट कहो, लाइफ मैनेजमेंट कहो, ये एक ही श्लोक आपको बता देगा कि मन से परे बुद्धि। निर्णय जब तक आप नहीं करोगे तो प्लानिंग किस बात की करोगे? आप सोचें, विचारें, जब तक एक निर्णय में स्थिर नहीं है आप। मुरली कृष्णा जी ने जो बात एक श्लोक लिया दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरनंदन बहुशाखा ही अनंत व्यवसाय ना। तो बिखरे हुए निर्णय जो आज की एक समस्या है, हम कहीं निर्णय में अपने को स्टेबल ही नहीं कर पाते, तो मन प्लानिंग कैसे करेगा? मन उहापो में, उधेड़बुन में, कंफ्यूजन में रहेगा। और शरीर किसकी एग्जीक्यूशन, क्या एग्जीक्यूट करेगा, क्या काम करेगा, फिर पूरा जीवन लड़खड़ा जाएगा। इसीलिए गीता का एक सही जो मैनेजमेंट का ढंग है, और बुद्धि से आगे का चेतना परमात्मा, जो डॉक्टर मार्कंडेय जी ने बात कही कि परमात्मा से जुड़ने का मतलब होता है जीवन को ऊर्जावान बनाना। सब एथिक्स अपने आप फॉलो करेंगे। गीता का एक श्लोक है 17वें अध्याय का 26वां, हम इसलिए बता रहे हैं कि विद्वत्ता के लिए नहीं कि बाद में हम सब उसको देख पाए। वहां का सद्भावे साधुभावे च सदित्येवा विधीयते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत श्रद्धा पार्थ युज्यते। जब हम सत से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो क्या होता है? सत से जुड़ने के बाद विचार सद विचार बनते हैं, बुद्धि सद बुद्धि बनती है, आचार
सदाचार बनता है और कर्म सत्कर्म बनते हैं, भाव सद्भाव बनता है, संग सत्संग बनता है। संग की बात भी आ जाए कहीं शेर डॉक्टर मारकंडे जी ने संग की बात कही थी कि परमात्मा का संग, सत का संग होगा तो क्या होगा, असत का संग होगा तो क्या होगा। दुर्योधन कर्ण के संग में आया तो निर्णय कैसे होगे, कैसी योजना बुद्धि कैसी होगी, दुर्बुद्धि। गीता ने दुर्योधन के लिए शब्द ही प्रयोग किया दुर्बुद्धे, बुद्धि दुर्बुद्धि बन गई, स्थिति बिगड़ गई सारी की सारी। और इसलिए आप देखेंगे बुद्धि दुर्बुद्धि, कर्म दुष्कर्म, विचार दुष्विचार, आचार दुराचार और सब कुछ दुर्गति तक ले जाता है। ये विपरीत क्रम है, अगर आचार ठीक सब से नहीं जुड़े तो। जुड़ने की भी जो बात होती है ना, ये भी ध्यान की बात है कि संग किसका, संग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये ध्यान रखें। कोरोना की बात लगभग सभी ने कही और स्वाभाविक भी है, और हम निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहेंगे सभी उन डॉक्टर्स को जिन्होंने कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करके, अपने शरीर की चिंता ना करके, जिन्होंने कोरोना काल में कोविड के समय में अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट किया, पूरी तरह से अपने आप को जुट लगाया कि कैसे कोरोना को पराजित किया जा सके, कैसे कोरोना में ग्रस्त मरीजों को ठीक किया जा सके। निसंदेह सभी वंदनीय हैं और डॉक्टर्स को भगवान से नेक्स्ट एक जो है प्राप्त है एक सम्मान, वो भी इस टाइम में पूरी तरह सिद्ध हुआ। लेकिन हम एक बात कहेंगे, देखो ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात सब ने कही, डॉक्टर रंजन ने जब बात कही कि भगवद गीता का परिचय कि क्यों हमने ये विषय लिया, तो उसमें भी ये बात आई और उन्होंने सारा एक विवरण बताया कि गीता क्यों इतना पवित्र ग्रंथ है, क्यों इतना प्रमाणिक ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि महाभारत का 1% ही है गीता में, लेकिन तो भी गीता का महत्व। हम एक बात कहें, कुरुक्षेत्र के लिए एक शब्द प्रयोग हो रहा था लगातार कि कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत, हमने एक आवाज उठाई जियो गीता की ओर से कि कब तक हम ये महाभारत का ही वो करते रहेंगे, कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत। हमें चाहिए नवनीत, अब हमें चाहिए ऐसी प्रेरणा महाभारत में भी कुछ शांति का गीत निकल सकता है, और गीता वही है। और इसलिए हमने कहा कि कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत नहीं, अब ये लिखा जाना चाहिए कि कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भगवत गीता। और वो प्रारंभ हुआ अब कुरुक्षेत्र में, अब कुरुक्षेत्र की पहचान महाभारत की भूमि नहीं। हमने कहा हमें संघर्षों में नहीं उलझे रहना, हमें संघर्षों में कोई शांति का मार्ग निकालना है, और सच में गीता होगी तो शांति के मार्ग की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भगवत गीता ये प्रचलन होना चाहिए और होना प्रारंभ हुआ है। लेकिन हम एक बात कह रहे थे कोरोना को लेकर, संघ को लेकर, जो बात डॉक्टर रंजन ने भी और अनेक वक्ताओं ने कही कि भगवद गीता एक्सट्रीम नेगेटिविटी से एक्सट्रीम पॉजिटिविटी, डॉक्टर मार्कंडे जी ने भी ये संकेत किया था, हमें ध्यान आ रहा है कि एक्सट्रीम नेगेटिविटी से एक्सट्रीम पॉजिटिविटी की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है भगवद गीता। लेकिन ये पॉजिटिव शब्द वैसे सब मानते हैं कि अच्छा ही है, हम भी बार बार कहते हैं पॉजिटिव रहो, लेकिन आप देखें कि अच्छे की भी क्या स्थिति हो जाती है जब बुरे का संग होता है। तो कोरोना के साथ लग करके इस पॉजिटिव शब्द का सम्मान बढ़ा या कम हुआ, सब सुन रहे हैं ना। कोरोना के साथ लगने के बाद ये पॉजिटिव शब्द की भी दुर्गति होनी शुरू हो गई, और जब ये पॉजिटिव आता था रिपोर्ट में कोरोना, पॉजिटिव ना आए नेगेटिव आए, वैसे नेगेटिव शब्द अच्छा नहीं है, पॉजिटिव ही अच्छा है। लेकिन कोरोना के साथ लग के सबकी उम्मीद ये होने लगी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव तो नहीं आई क्या, तो पॉजिटिव शब्द भी, तो इसका संकेत हमने ये लिया
कि बुरे के साथ जुड़ के अच्छा भी कहीं ना कहीं प्रश्नों में आ जाता है। पॉजिटिव शब्द जैसे कोरोना के साथ जुड़ के पॉजिटिव प्रश्नों में आया, तो हमें एक अच्छाई की ओर बढ़ना है। और अच्छाई तभी होती है जितना हम विराट से जुड़ेंगे, हमारी सोच विराट होती चली जाएगी, हमारे विचार विराट होते चले जाएंगे। और जितना हम स्वयं से हट करके, जब हम केवल अपने लिए नहीं, जब हम ये सोच बना लेंगे, गीता जी का एक श्लोक, हम केवल दो चार मिनट में ही बात पूरी करेंगे अपनी, गीता जी का एक श्लोक देखें हम, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्लोक सब जानते हैं, बड़ा प्रचलित बड़ा प्रसिद्ध गीता का श्लोक है। लेकिन इतना गहरा और इतना समाधान परकीय श्लोक है, जिसके लिए हमने ये आह्वान किए कि भगवद गीता जो है अपने आप में समाधान है, समस्याओं का समाधान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता। ऐसे ऐसे बहुत से स्लोगन जो गीता ने लिए, उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। इस ढंग के हमने कई स्लोगन लिए और उसमें एक श्लोक को लेकर बस कर्मण्येवाधिकारस्ते। हर व्यक्ति जब ये सोचेगा मैं जहां हूं मेरा क्या कर्तव्य है, व्हाट्स माय ड्यूटी, स्टूडेंट ये सोचे मैं बाहर कहीं पढ़ने आया हूं मेरा क्या कर्तव्य है, सबके सब एथिक्स अपने आप जीवन में आने लगे। मेरा क्या, मैं कोई बनने के लिए आया हूं या बिगड़ने के लिए आया हूं, मैं मुझे पढ़कर भी बनना है, बिगड़ना नहीं है मुझे, यहाँ कॉलेज में यूनिवर्सिटी में किसी भी फील्ड में मेरा क्या कर्तव्य है, उससे आगे इस सोच को बढ़ाएं। हर टीचर ये सोचे मेरा क्या कर्तव्य है, हर डॉक्टर ये सोचे मेरा क्या कर्तव्य है। और यहाँ एक छोटी बात हम कहना चाहेंगे, एक सोच है कर्मण्येवाधिकारस्ते मेरा कर्तव्य क्या है, एक सोच इसके साथ है मा फलेषु कदाचन का बहुत गहरा अर्थ है, मैं क्या दे सकता हूं ये सोच है, या मुझे क्या मिलेगा ये सोच है। जब ये सोच आती है ना कि मुझे क्या मिलेगा, सारे के सारे एथिक्स, सारे के सारे आचार विचार कई बार भरे रह जाते हैं। जब इंसान इस सोच में भर करके काम करता है, मुझे अधिक से अधिक क्या मिल, मैं अधिक से अधिक कैसे बटोर सकता हूं, तब क्या होगा, तब रोगी के रोग की ओर, पेशेंट की डिसीज की ओर ध्यान नहीं जाएगा, तब ध्यान जाएगा पेशेंट की पॉकेट की ओर, अधिक से अधिक क्या मिल सकता है। और वहां एथिक्स पीछे रह जाएंगे, वैल्यूज पीछे रह जाएंगे और वहां की ओर प्राप्ति आ जाएगी। जब राजनीति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं 5 साल के लिए पद मिला है, मुझे अधिक से अधिक क्या मिलेगा, तो वहां एथिक्स अलग हो जाएंगे। और जब ये सोचेगा मुझे ये पद क्यों मिला है, मैं अधिक से अधिक कैसे दे सकता हूं समाज को, राष्ट्र को, जनमानस को, वहां सब एथिक्स मुस्कुराएंगे, उदारता आएगी, क्षमताएं विकसित होंगी और सच में मानवता मुस्कुराएगी, मन संतुष्ट होगा। देने से संतुष्टि मिलती है, क्यों लेने, लेना तो देखो जो मिलना ही मिलेगा ही, उसकी चिंता करो ना करो, कर्म करें गीता ने कहा उसकी चिंता नहीं करें। तो इससे क्या होगा, व्यापारी यदि ये सोचेगा ग्राहक से अधिक कैसे ले सकता हूं, कई विकृतियां बढ़ेंगी। आज एक प्रश्न हम लेना चाहेंगे, हर फील्ड में कहीं ना कहीं ये एक रिलेशनशिप में जो एक इंटीमेसी होती थी, जो एक रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस होता था, वो कहीं ना कहीं कमी आई है, कमजोर हुए हैं रिलेशन हर फील्ड में हुए, वो भले टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो, कहीं ना कहीं रिलेशन के कॉन्फिडेंस में प्रश्न लगे हैं, वो भले डॉक्टर और रोगी के बीच में हो, कहीं ना कहीं रिलेशन में प्रश्न खड़े हुए हैं, वो भले ही माता पिता और संतान में हो, पेरेंट्स और उनकी जनरेशन, वहां भी रिलेशन में प्रश्न लगे हैं, कहीं ना कहीं व्यापारी और ग्राहक में, नेता और प्रजा में, जो संबंधों का एक अपनापन था, विश्वास था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है।
और ये कम होता है विश्वास तब जब ये सोच बनती है मुझे क्या मिलेगा, वहां विश्वास कमजोर पड़ेंगे, वहां मेरी मानसिकता कमजोर होगी, वहां कहीं ना कहीं एथिक्स आचार विचार कहीं ना कहीं कमजोर होंगे, और जहां ये एथिक्स ही हैं आचार विचार ही हैं जो विल पावर को स्ट्रांग रख सकते हैं। मैं यदि मेरे आचार में, मैं यदि मेरे विचार में मजबूत हूं तो मैं अपनी बात को दृढ़ता से रख सकता हूं, और मैं यदि अपने एथिक्स में अपनी वैल्यू से हट के कुछ कर रहा हूं तो मैं दूसरे के आगे भी वो दृढ़ता नहीं दिखा पाऊंगा। टीचर यदि अपनी एथिक्स में कमजोर है स्टूडेंट्स के साथ वो दृढ़ता नहीं दिखा पाएगा। डॉक्टर यदि अपने एथिक्स में कमजोर है लेने की भावना अधिक है देने की नहीं, विल पावर कमजोर होगी वो दृढ़ता नहीं रहेगी। और जो एक श्लोक मुरली कृष्ण जी ने उद्धृत किया अर्जुन को लेके, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, जो बड़ा अद्भुत और आगे का श्लोक जो है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, हृदय की कमजोरी छोड़ और ये हृदय कमजोर, बिल्कुल लॉजिकल शास्त्र है गीता, ध्यान रखे। ऐसा ग्रंथ है जो बीमारी को डायग्नोज करके उसकी फिर प्रेस्क्रिप्शन करता है और फिर उसको ट्रीट करता है ढंग से, वो ग्रंथ है गीता। केवल सीधी प्रेस्क्रिप्शन नहीं या ट्रीटमेंट नहीं, पहले डायग्नोज, अर्जुन के कारण को ढूंढा, और इसीलिए आज तक के इतिहास में विश्व के सर्वोत्कृष्ट मनोचिकित्सक की भूमिका में है हमारे लॉर्ड कृष्ण। पहले नब्ज देखिए, और केवल एक अर्जुन रूपी मनोरोगी की नहीं, समय की नब्ज देखिए, भविष्य की नब्ज पकड़ी कि भविष्य में ये प्रॉब्लम आ सकती है, और उन प्रॉब्लम्स को सामने रखकर अर्जुन को उस भूमिका में उतारा सामने। अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने पूरे फ्यूचर की नब्ज मानो देख ली कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स होंगी, और वो सब प्रॉब्लम अर्जुन में, और उसका समाधान भगवद गीता में लॉजिक के साथ आर्गुमेंट्स के साथ पूरी तरह से और बिना किसी संकीर्णता से, ना जाति की, ना वर्ग की, ना वर्ण की, ना मजहब की, ना देश की, ना काल की, ना पात, कोई संकीर्णता नहीं, सबके लिए गीता, सबकी गीता। हर व्यक्ति ये कह सकता है गीता मेरे लिए, और जब हम कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे मनोबल मजबूत होगा, और तब हम जल्दी से घबराएंगे नहीं। व्यक्ति घबराता भी तभी है जब अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, मेरी क्या ड्यूटी है उससे नहीं, मुझे क्या मिलेगा ये सोचने लगता है, क्या होगा, फ्यूचर की आशंकाओं में जब हम वर्तमान बिगाड़ लेते हैं वही मन कमजोर होने लगता है। मिलने की आशंकाओं में, अपेक्षाओं में जब हम करने की भावना को या अधिकार को जब हम ऊपर रखकर कर्तव्य से मन हटा लेते हैं तो मन कमजोर होने लगता है। ये ध्यान रखने की बात है। इसलिए मेरा क्या कर्तव्य है, एक बात ये मनोबल बढ़ाएगी, मैं कर्तव्य निष्ठ बन कर रहूं, इससे विल पावर स्ट्रांग होगी, एथिक्स अपने आप निकल के आएंगे अंदर से, बाहर से नहीं लेने पड़ेंगे एथिक्स। और दूसरा, जब हम परमात्मा से सत से जुड़कर, हाँ नाम कोई भी हो सकता है, रूप कोई भी हो सकता है, फॉर्म कोई भी हो सकती है, परमात्मा की जिस जहां श्रद्धा है, यही तो हमारे परंपराओं का गौरव है कि हमने किसी को बांधा नहीं कि तुम्हें यही करना है, अपने आप स्वतंत्रता है आस्था की, श्रद्धा की, भावों की, जहां जिसकी श्रद्धा है, लेकिन जुड़े परमात्मा से। और जब एक बात आती है हमारे से आजकल के पढ़े लिखे पूछते हैं कि क्या आवश्यकता है परमात्मा से जुड़ने की, क्यों हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं बस वही दे करके कि रोज हम सब मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं या नहीं लगाते। मॉर्निंग में हमें ये सबको ध्यान रहता है ना कि मोबाइल को चार्ज करना है, और चार्ज कैसे करोगे, कहीं भी दीवार में होल करके आप प्लगिंग कर दोगे क्या और वहां से चार्जिंग हो जाएगी क्या, नहीं। जहां कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां से आप अपने मोबाइल को पावर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, जब आप मोबाइल को पावर से कनेक्ट करेंगे मोबाइल विल गेट चार्ज।
मोबाइल चार्ज हो गया, दिन भर साथ निभाएगा, बस यही प्रोसेस मेडिटेशन का है कि जब हम उस ऑल माइटी पावर, पावर ऑफ पावर, सुप्रीम पावर के साथ मन को कनेक्ट करते हैं, माइंड गेट चार्ज, मन चार्जिंग है, और चार्जिंग मन की मतलब मन एनर्जेटिक बनता है, स्ट्रांग बनता है, कॉन्फिडेंट बनता है मन, और ये कॉन्फिडेंस, ये मेंटल स्ट्रांगनेस, मेंटल जो एथिक्स हैं, ये कहीं बाजार से नहीं मिलेंगे, विश्व की किसी मार्केट से मनोबल आपको नहीं मिलेगा, विल पावर नहीं मिलेगी, ये तो आपको चार्जिंग से अपने आप को लगाना ही पड़ेगा। और अगर हम रोज ये सब ध्यान रख लेना कि जब मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएं, अपने लिए भी पूछ लें कि मोबाइल तो चार्ज कर लिया, आपने आपको भी चार्ज किया है या नहीं, और जब चार्ज करेंगे परमात्मा से जुड़ेंगे, भावनाएं विराट होंगी, भावनाएं खुलेंगे, विचार सद्विचार बनेंगे, और अपने आप कर्तव्य निष्ठा बनेंगे, मजबूती से जब हम अपना कार्य करेंगे, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस, पेशेंट का कॉन्फिडेंस जीत पाएगा, और जब डॉक्टर का कॉन्फिडेंस, डॉक्टर की विल पावर, पेशेंट की विल पावर बढ़ाती दिखाई देगी, जब डॉक्टर का कॉन्फिडेंस, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बन जाएगा, तब आप देखेंगे संबंधों के विश्वास का विश्वास बनेगा, संबंधों में अपनापन बनेगा, तब जीवन मुस्कुराएगा, मानवता मुस्कुराएगी, और आप विश्वास करें तब हमारे प्रभु भी ऐसा दृश्य देख करके मुस्कुरा देंगे कि कितना अच्छा व्यवहार, आचार विचार दिखाई दे रहा है, बस हमें इसी ओर बढ़ना है। जो आज ये विषय रखा गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोमती नगर लखनऊ के तत्वावधान में जो आज वेबिनार हुआ, हमें आनंद हुआ, अच्छा लगा, और हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे कि कभी हम कुरुक्षेत्र में सब लोग आए और गीता के इस स्थली में हम बैठकर, गीता ज्ञान संस्थान एक शोध केंद्र बन रहा है कि गीता के हर शब्द पे हम कैसे शोध कर पाएं, हर विषय को लेकर कैसे रिसर्च कर पाएं, और उस रिसर्च को हम सब स्वीकार करके अपने अपने फील्ड में कैसे एक राष्ट्र की गरिमा गौरव बढ़ा पाएं, मानवता की मुस्कान की ओर हम आगे बढ़ पाएं, हमारी उसमें क्या भूमिका हो सकती है, हम इंडिविजुअली क्या भूमिका निभा सकते हैं। एक स्वामी विवेकानंद ने इस तरह से, जब हम ये सोच लेते हैं ना कि वातावरण ही बिगड़ा पड़ा है, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, मैं अकेला इसमें क्या कर, बिल्कुल ये कमजोर सोच है, इसे हमें हटाना पड़ेगा। एक गिलास कड़वी चाय में एक चम्मच ही तो शुगर की होती है जो पूरा प्रभाव डाल देती है, पानी के टब में एक तेल की बूंद पूरे पानी पर अपना प्रभाव बना देती है, एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े ढेर को गंदगी के चलाकर राख कर देती है, थोड़ा सा केसर दूध में डाला जाता है पूरे दूध में अपना रंगत और अपने संगत बना लेता है। ये सोच हम छोड़ें कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, हम अपने आप को अच्छा बनाएं, निश्चित वो हमारी अच्छाई एक प्रेरणा बन सकती है आगे दूसरों के लिए भी, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का प्रयास और उसमें अनेक और यूनिवर्सिटीज की सद्भावना, ये अपने आप में एक इंस्पायरेशन बने, अपने आप में प्रेरणा बने औरों के लिए भी कि हम कुछ कर पाए, और गीता ज्ञान संस्थान ऐसी ही फीलिंग जागृत करने के लिए गीता के एक एक विषय पर रिसर्च करके सबके साथ शेयर करके उसे और आगे बढ़ाने के लिए ये केंद्र है। आप कभी कुरुक्षेत्र आए और हम आप सबको इनवाइट करेंगे और डॉक्टर जैन से कहेंगे कि वेबिनार का ये क्रम भी चलता रहे, और कभी हम आजकल कोरोना कुछ का प्रभाव कुछ कम हुआ है, वैक्सीनाइजेशन भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है, और कोरोना अब धीरे धीरे समाप्त हो, प्रभु से यही प्रार्थना, और आप सबका भाव सद्भाव बना रहे, आगे बढ़ता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर ए के सिंह, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना, और अपने डॉक्टर जैन जिन्होंने इस पूरे आयोजन को
संयोजन किया, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और बड़ा अच्छा संचालन कर रही बहन, हमें नाम नहीं ध्यान आ रहा, अच्छा उन्होंने कंडक्ट किया, पूरे वेबिनार को संचालन किया, उनके लिए भी शुभकामना। सब वक्ताओं ने अपनी अपनी बात विषय के साथ जोड़ कर रखी, भगवद गीता के साथ जोड़ करके रखी, वो हमें विशेष आनंद हुआ। इसके लिए जो भी यहाँ थिंकर स्पीकर के रूप में और जो वैसे भी जुड़े, हमें प्रारंभ में पता चला कि उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन भी इस वेबिनार से साथ जुड़ी रही, उनके लिए भी और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, शत शत नमन आपको स्वामी जी। आपके आशीर्वचनों ने एक ऊर्जा का स्रोत जागृत कर दिया है। हमारे इस समय देश विदेश से कुछ श्रोतागण जुड़ गए हैं। मैं सभी गणमान्य श्रोताओं का, विशेषकर और सारे वक्ताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये कुछ चंद पंक्तियां हैं जो डॉक्टर आहूजा से हमने प्रेरणा ली, और उसमें कुछ पंक्तियां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी जोड़ दी हैं। ये आपके आशीर्वचनों के बाद जो गांडीव रूथी स्टेथोस्कोप जो अर्जुन अवतरित चिकित्सक ने छोड़ दिया है और जो विषाद की स्थिति में है, वो धीरे धीरे विषाद क्लियर हो रहा है। और मुझे लगता है जब तक मैडम जसकिरण कौर का उद्बोधन होगा, धनुष प्रत्यंचा भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा और हम सब लोग एक नई ऊर्जा के संचार हो जाएंगे। गीता को गुनगुनाऊंगा, गीता को गुनगुनाऊंगा, स्व की खोज में निकल जाऊंगा। निराशा न छुएगी, हताशा न भरेगी, समय भी जिसे तलाशे ऐसा स्थित प्रज्ञ बन जाऊंगा। गीता को गुनगुनाऊंगा, गीता को गुनगुनाऊंगा, इंद्रियों की बेड़ियों को वस्त्र न बनाऊंगा, बेड़ियों को पिघलाकर धर्म क्षेत्र में बनाऊंगा। गीता को गुनगुनाऊंगा, गीता को गुनगुनाऊंगा, गांडीव की टंकार से लक्ष्य भेद जाऊंगा, युधिष्ठिर का सत्य स्थापित कर जाऊंगा, भीम की गदा से दुर्योधन का अहंकार तोड़ जाऊंगा, पांच जन्म के उद्घोष से विश्व को जगाऊंगा, गीता को गुनगुनाऊंगा, गीता को गुनगुनाऊंगा। इसके बाद अब इसको चिकित्सकीय परिवेश में जो कुछ कोरोना के जाल को भरम कर जाऊंगा, नैनम छिद्दांती शत्राणि समझाकर अंतस मजबूत बनाऊंगा, गीता को गुनगुनाऊंगा। इसमें कुछ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने आपका ध्यान आकर्षण हो स्वामी जी और डॉक्टर आहूजा, ये कुछ हम लोगों ने सृजित करी हैं। गीता के आलोक में चिकित्सकीय जीवन को जनउपयोगी बनाऊंगा, गीता के आलोक में पथ से न डगमगाऊंगा, गांडीव रूपी स्टेथोस्कोप अवश्य उठाऊंगा, समर्पण से समाज में मुस्कान लाऊंगा, आगे कदम बढ़ाऊंगा, रोग और रोगी के बीच अभेद चट्टान की तरह खड़ा हो जाऊंगा, चिकित्सकीय धर्म की राह में वीर गति भी प्राप्त होना पड़े, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, गीता को गुनगुनाऊंगा, गीता को गुनगुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी, इस ऊर्जा के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर नवीर को कि डॉक्टर मैडम जसकिरण कौर को अपने उद्बोधन के लिए वो करें। और स्वामी जी से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, मुझे पता है डॉक्टर आहूजा मुबारकबाद के पात्र हैं, उनके बेटे या बेटी का किसी का विवाह उत्सव है, उन्हें फ्लाइट पकड़नी है, तो उनको तो छोड़ते हुए पर स्वामी जी से है कि आगे अगर थोड़ा सा अपना संपर्क बनाए रखें। स्वामी जी कहीं ना आवश्यक जाना है, जसकिरण जी को हम दो तीन दिन प्रारंभ में सुन लेते हैं, हमें भी आवश्यक क्योंकि समय लगभग 11:15 बजने को है, इसलिए हम दो तीन मिनट आगे और रह के फिर आगे जब भी होगा हम आपके साथ हैं। जब आप लखनऊ हमें बुलाएंगे हम आएंगे, और जब हम आपको कुरुक्षेत्र बुलाएंगे तो हमें विश्वास है कि आप भी कुरुक्षेत्र आएंगे। जी अवश्य, जी अवश्य। मैडम नवीर, डॉक्टर जसकिरण को वो करें, उनकी इंग्लिश में टॉक है और आई थिंक हमारे जो वाइड ऑडियंस को बहुत उनको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गुरुजी, वी हैव बीन इंस्पायर्ड एंड एनलाइटेंड। प्रोफेसर जसकिरण कौर इज द डायरेक्टर मैनेजमेंट ऑफ चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मोहाली। शी इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटर एंड एकेडमिशियन
with over 20 years of experience in working with India and Singapore management universities. Her core area of research is leadership skills, microfinance, and women empowerment and marketing. She strongly believes that if we integrate the teachings of Gita with management and other issues, so she believes that it is all about doing work, Karam Yoga, and also that the cardinal principles of Yoga Karmesu Kaushalam, right to work, yagya, sacrifice, which are laid out in the Gita, they demonstrate that the fundamentals of good management are all contained in the Gita, and she will enlighten us further with her teachings through what motivation she has received through her readings of the Gita. Please, Professor Jaskaran. Thank you so much, ma'am. I take this, I really feel honored to be on this platform. First of all, my sense of gratitude towards Vice Chancellor sir, that he has been always motivating by connecting over a phone. Wonderful, sir. And no words to appraise Dr. Jain sir. He has been such a motivating soul. I know, sir, sometime I was not available because of the preoccupations, but every time without even looking at a clock, he has been always supporting us. Thank you so much, sir. And Swamiji, I'll be meeting you very soon. Main Punjab se hi hoon, toh main aap se Kurukshetra milne zarur aungi. It was wonderful to hear you. And I want to say one thing to start my presentation, that Gita is not one religion book. Gita is a journey. Gita is an answer to everyone's problem while we are living in the world. You open any page of a Gita, when you read, you interpret, you are able to correlate with your problem and reach at a solution. This is the same way it has happened in the Gita. With this thing, I would like to share my screen. Ma'am, kindly allow me. You can share your screen. Thank you, ma'am. I would like to say that, every speaker, Dr. Ranjan, has very smartly shown that, while crossing that complete fair and reaching to the destination, Dr. Markandeshwar has very clearly said that, when you have spirituality with you, the power of, a God with you, you do only the treatment. The result comes as a miracle. And yes, there's no words, Dr. Murli Krishna, because the way you were singing, it was actually mesmerizing. And Swamiji, aapke saamne to hum kuch bhi nahi hain. Aap to pura shrot hain. Hum to sirf ek boond hain isme. Great learning from you. Ma'am, can you put your screen on slideshare? The presentation on slideshare. Ma'am, I have put... Okay, wait, let me share. And full screen mode also. Okay. Visible now? No, ma'am. In fact, it has gone now. Wait. I'll reshare it. Not able to share. Is it visible? Yeah, it's right there now. Right. Thank you so much. The setting of Gita. The setting of Gita is a symbol of battlefield of life. This is what I have related not only with the Krishna and Arjun. I have related to every turmoil between whatever we face into. It is a symbolic of battlefield within all of us.
Our life is a constant turmoil between positive and negative impulses, between a pleasant and the better, between our likes and dislikes, between good and the bad. This is what how we feel, you know. Sometimes we do have negativity in us, we have negative thoughts in us. How we are going to deal with this? Even though the Gita is a record of dialogues a centuries ago, it is still relevant to any of the ages it is addresses, because it addresses fundamental questions, fundamental that question arises in the human heart. Through the vista of epic literature, we are able to hear and see the scared dialogue between Arjuna and a Krishna. Arjuna's dispotency is a dispotency. His question is a question. As we read Gita, it is as if we are direct commune with the great sage embedded in the personality of a Krishna. We are always able to relate, you know, what our problems are, the how Krishna was feeling and how we are feeling. In this complete presentation, I've kept a medical profession in my mind. Being an educationist, I'm always keeping a student perspective in mind. And while keeping a student perspective in mind or a doctor's perspective in mind, we have few things very similar, the dilemma. Modern medical professions are facing multiple challenges due to the continuous stress of striving for excellence. They somehow might end up with a question in their mind very frequently that comes, why are this? If I keep, you know, any of the problem, everybody has talked about COVID-19, corona, and Swamiji has very positively said that, you know, a positive word has become a negative with that particular thing. So how to stay a positive? So this kind of a things do come, because once you do MBBS or a MS, that is not the end of the things. Every time you have to upgrade yourself because something new is coming up. How to fight with that? So you need to every time upgrade. It is one profession. While I was doing a research, that to become a master in this particular, you know, profession, you need to have ever-learning approach. So in these times, the aspiring one must never forget their dharma. My complete presentation is that how dharma is connecting with the karma and how a medical profession will be connected. The Bhagavad Gita describes a conversation between a guru and a disciple. Confused Arjuna and unable to handle the stress on the battlefield and seeks guidance from the Lord Krishna. And what exactly he says? Doing duty is doing karma. Now, life and death are the part of cosmic process, but the self indestructible and immortal. Fulfill their duties as a clinical and a healer in a satisfying manner. This will enhance their coping up skills and assist them dealing with the external stress with effectivity. Because this is what is written, but then how the karma happens. Karma Yoga is one of the brilliant new contribution of Bhagavad Gita, which is not found in every Upanishads explicitly. It is not very widely openly available, but this is being correlated by Vivekananda's explanation. The word karma is derived from Sanskrit kari, means to do. All action is karma. Technically, the word also means the effects of all that we are doing, or effect of our actions. In connection to metaphysics, it sometimes means the effect of which our past actions were caused. But in karma yoga, we have simply to do with the word karma as a meaning of work. How it is to be connected with the past actions? The way even Swamiji has very clearly said, you know, the mind, what we think is going to do, how we perceive is going to be happening in the future also. Thus, we all are doing karma all the time. Right now, I am talking, that's a karma. You are listening, that is a karma. We are breathing. Everything we do physically or mentally is a karma and leaves its mark on us. We are responsible for what we are and whatever we wish ourselves to be.
we have a power to make ourselves. If we are now and have been a result of our own past actions, how we have been studying. Suppose if I take any example of, you know, any of the medical profession, like now I'll take an example that how COVID-19 situation was dealt. There are few, you know, new, because my family is also into the, you know, so many doctors are there in the family, and my sibling, my niece and nephew are in the internship. They were told to stay home. How you have always taken up an action to be in the war front by taking care of other people, those who may not be able to handle at that particular point of time. This is how we think and we proceed, because that act of kindness comes because that is there in our nature also. There's such things that flittering away our energies with regard to karma yoga. The Gita says that it is doing work with cleverness. I'll not use this word as a negativity. Same way, it is smartness as a science. This is the way even Krishna told Arjuna in so many ways that you have to deal with your smartness and you can obtain greater results. And they very clearly said that you have, Krishna made a plea from the worldly perspective. If you abandon your work, people will never recount your abandonment. And living such a life is worse than a death. Therefore, stand up and fight. This is how Krishna motivated a confused Arjuna. The first step of karma yoga is to fix the thoughts on realization of supreme self. We have to energize ourselves. How we energize ourselves, how we are able to water our soul, that's something very important. Thus, the teachings of Upanishads is made the foundation in which the yoga is built. The foundation of karma yoga is the yoga of knowledge, Janana yoga. The second step is to act, but not with selfish motive. We examine our life, we find our self-interest. See, whatever we decide on, whatever we do, there will be always a self-interest. It will be a lie if I say, I have no self-interest, I have become a director, so there is no self-interest, I don't want to go further, I'm not working in this way, I have to project things, I have to get things done, and I have to motivate my students also. Same way, we also have a self-interest being Arjuna as a doctor that I have to excel in my field. If you remember earlier, I said there's a stress on medical field always that they have to excel because the disease, the things, they are not the same. No, not at all. They are ever changing. So many chronic diseases have come and there are an equivalent amount of research is going on. They are, you know, doing a lot of research, academicians are working on it, then coming up with a new formula, coming up with the vaccine. This is something very good example right now that COVID-19 vaccine have come from three different places at one place and how it was being tested, how made it quickly. No vaccine in the world has been made in such a, you know, short span of time. I'll not take it as a negatively, but I'll take it as a positively that everybody worked die hard to find a solution of this particular problem. Now, does this mean we should abandon our work and concentrate only on one thing? Krishna empathetically says no. You should not resort to inaction either. Idle to it, work will inverse of mind. Both success and a failure. Sometime in medical profession, we do feel failure. We do get failure, sorry. And we get success also. It's very clearly said, we get success, it should not go into our mind. We get failure, it should not go into our mind. The reason behind this is, we do feel, we do get success, we do face failure also. Both are the part of our own karma. But our dharma says we need to look at our priorities. We need to look at the profession we have chosen and we have to walk clearly on our own decided priorities. We do get, as
Swamiji also said, you know, in other words, I would like to say it was already there in my presentation. When the mind is dazzled by the glittering of sense objects, everybody want materialistic, you know, objects. Focus aata hai, 5 saal ke liye power mili hai, we should do this, and we have reached at this particular platform, we should have this. But the heart is focused on understanding reality and touching the very substance of the phenomena of life. The heart is asleep to what the world is awake to. Similarly, the mind is asleep to the heart is awake to. We have to overcome this thing. No doubt it is difficult. It is difficult. But please remember the last two lines, and at the end of the presentation, you'll be able to see. No one can, you know, I cannot guarantee that this can be done. But yes, I am practically doing this. So I can say if we keep on taking our wisdom, we'll be able to reach at least some point of time. This is where we should abide by dharma and do what is ethically the need of an hour. This 9 need to be focused. And this line drives our own professionalism. The psychonetic insight. Krishna says, heart does not hug desire when they arise, nor does it agitate the mind to create them. It is indifferent to them as water enters the sea. Though every being is filled, is ever motionless. This is the heart with respect to desire. From the spiritual prospect, Krishna sees desire as a part of psychobiological process. No doubt that time it was not that much of sciences, but if today you apply science on Gita, you'll be able to find solution into that. That how the path was being, you know, made, how he was being motivated, how different, you know, teachings have shown him a path that need to be followed at particular point of time. The theory of work. Krishna now begins his outline of theory of work. To Arjuna's question, Krishna replies, one may lead a life of contemplation or a life of action. Both properly done lead one to enlightenment. Whatever we do, we are not living to show others. We are living to show ourselves. If at the end of the day, we are able to justify, we are able to move towards our focus, that's the best. But one must understand that freedom from work is not gained by abstaining from work. We cannot run away just by, you know, attaining one degree and not upgrading ourselves. It is not justice to what we are thinking. It is not a justice to a life that we have thought of living. Every day we upgrade ourselves. Every day we should upgrade ourselves. And it is not in one profession. It is there in every profession. But yes, it is very, very regressive and a need of an hour in medical profession. We all have to agree with this. It is impossible to maintain even one's life without doing some work or a positive work. One who restrains from organs of action but continues to brood over sense objects is said to be a hypocrite. They only bring misery and delusion to oneself. There's a saying, you know, half of the knowledge is very dangerous. And nowadays, when, you know, we do talk to the doctors and our patient comes, I know you all must be facing the same thing that, you know, they come by searching everything on the Google, and Dr. Google has become a very, you know, high guiding soul for all the, you know, we, those who are not the doctors. So you always have to look at that, you know, because during COVID, I think Google has answered so many medicals, so many salts and so many things. But during this COVID time, what best has happened, you know, we as a community got together. We as a community joined hand. We needed medical help. They were available the way we are available on a webinar. I faced some problems. I had my mother with me. We faced some problems. And everything was available on a one request. Best of the best hospitals connected with the things. And I realized that, you know, we need to have holistic approach towards living also.
But he who controls the senses by mind and engages the organ of action in the path of work is superior. How you all have opened different ways. Doctor, we have to visit a hospital and do it. Doctors are putting things to risk, but doctors are saying for this particular ailment, please don't come. We'll give you guidance here, and medicine stores are giving a facility. They are sending to our doorsteps. See, I'm actually connecting a theory of work side by side. Reason we should be able to connect with Arjuna as a doctor. In order to refrain from falling error, one is tempted to refrain from action altogether. But this is definitely not the way. I have taken certain kind of negativity also into it so that we understand both kind of things happen in the world. We cannot say everything is a rosy picture. We do have thorns there also. Vivekananda writes in his inimitable humor way, he has explained in a very smart way, cow never tells a lie and stone never steals. But nevertheless, cow remains a cow and a stone is a stone. Man steals and man tells lie. And again, very beautifully he said, it is the man that becomes God. It is the man that becomes God. While we are doing justice to our dharma, immaterial, whatever is a profession. I'm again and again saying these things. Two though they allotted work, Krishna instructs for action, it is better than inaction. Even to maintain physical health, one must be active, but learn to work free from attachment. Attachment from materialistic things, even attachment, any kind of attachment beyond certain point is a negative thing. The world is an independent world. All creatures support each other through mutual cooperation. Join your mind to a higher cause that enable the welfare of all. It is in the way that the great one of the past have attained perfection through the work alone. In all these, I have selected these verses specifically by keeping medical profession in mind. Whatever is a great person does, other follows. Whatever standard is set by one, the world rises to the standard. Look at me, Arjuna. There is not for me any personal gain from the work I do. Yet, I continue to work. If I did not engage in work unwearied, people would follow my example and they will fall into ruin. We always have to set our example. Krishna has very specifically told Arjuna, do your karma. Just as the ignorant act from attachment to work, we should learn it. But without any attachment and with the desire for the welfare of the world, the enlightened person act in a spirit of yoga and thus sets others into act as well. They set an example. They set a standard for others to follow. The main message that comes out from the Gita. Often we are tempted to run away from our difficulties and take up the life as a rescue and excuse meditation. This is not an option that is being recommended by Krishna. Swamiji has given a very simple example for this thing, you know, while we are charging our phones. We have to, you know, give materialistic things also a boost for survival. So imagine a human body that goes through so many emotions during the day. We come to our workplace, we leave our things behind. We are into work, we are into a process, meeting one patient, another patient, and every patient has their own set of mind. We need to come at a zero position also. Zero position doesn't mean that we have to unlearn certain things. No. We are attached to our patients. We are working with them. We are praying for their well-being. And you all, Krishna, doctors, are putting your hands together to save them.
But what about the mental balance? What about that, you know, while you come back, your biological clock knows at 7 you'll be reaching home, at 10 you'll be hitting bed, you're getting up, moving, exercise, and all those things. But a meditation that connects you with yourself. I'm not talking about any specific God. It that need to be you with you. Only then you'll be able to perform wonderfully good. Mere physical actions is not an action according to Krishna. Real action is the process by which we define wisdom from a crude or experience. One may be silent, reflective, and outwardly performing no action, but inwardly, through introspection, one is gaining insight and wisdom. In earlier slide, I told that Krishna said, if I'll not be doing anything, people will not remember me for the positive things and they will be ruining the things. Now you see, even if somebody is not doing anything, but he's introspecting and gaining insight and a wisdom, this is also a true action. In every way, you are not required to work. But what is required is a connection, a peace, a solace also. Then also you are able to grow because you are open-minded to accept a positive thing. All experiences, good or bad, can be used to distill wisdom. That is purely fine. Achhi cheeze bhi hoti hain, buri bhi hoti hain. Kabhi bahut achhe miracles bhi hote hain. Bahut cute patients jab theek hote hain. I know family to bahut khush hoti hai. Doctors usse bhi zyada khush hote hain. And I would like to quote one example here. You know, there's a Dr. Bose in PGI. And I happened to meet him because in our friends, we had one cancer patient. And she was based in US and I was so paranoid for her. The way he helped me, that time it was not a COVID situation. Still, he gave us a video, you know, counseling and all treatment. He guided us. When she was operated, I could see when I went to meet him and I said thank you to him. The way he was happy and asking me that, okay, how it happened, this process was done, this is not done. I could really see that he never met her, how he was being connected. How he connected that, you know, a one success and a smile on his face. That's how a good or a bad experience is count. The process by which this is done is fourfold: by humble reverence, by inquiry, by concentration, and by service. This fourfold yoga joining the path of devotion. We need to do bhakti. Bhakti doesn't mean any guru. You can sit at home and do it. You can just connect with yourself. Knowledge, wisdom, that is very important. Very important. We need to upgrade ourselves every day. We need to gain knowledge. Psychic control. We need to have rasa. Means we have to at peace. And karma. We have to keep doing our work. The essence. Science alone does not make a good physician. Science alone does not make a good physician. You need to inculcate human values of compassion and care. That is truly visible. While the construct of action overlaps that's of a duty, it is yet not similar action of synonym of a duty and work. Thus, we should work towards being a better person and paying back to the society. Thank you. And with this, I have summed up certain things. I'll just tell three sentences in which I feel, you know, Gita has motivated me. From the chapter 2, this says summer and winter season comes every time. There are sometimes seasons are very acute. In one of few countries, that is minus 46, even in Ladakh, sometimes it is very low. But nothing stops. Nothing stops. Everything works on. We have to tolerate.
This is what I understand. We have to tolerate what we are going through, be it negative, be it positive. But we have to adjust and tolerate. Sometimes that scorching heat, if you go to Rajasthan during days, it's very, you know, high heat energies there. But we tolerate, our body acclimatized to those things. That is how we have to keep on moving, by tolerating. If something good happens, be humble. If something bad happens, be in control. Chapter 6. We can resonate with our mind. We can make our mind a friend or an enemy. It depends upon how we deal with our mind. It's one small example. Now the winters are going off, but during, January, that's very low temperature, and everybody feel like, let's not go for a walk. Because our mind tells, we'll get up in the morning, it's very, bahut thand hai, toh aaj we'll skip, kal se shuru kar lenge. But if you are determined and tell, this need to be done, you'll not feel that much amount of lethargy at that particular time. You'll get up, gear up and move on. Last point, which is very close to my heart. The presence of divinity. God sirf kisi gurdwara, mandir, masjid mein bilkul nahi hai. You close your eyes, you'll be able to feel it. You'll be able to sense it. And you can actually gain knowledge. Not to go, I'm not saying we all should go to holy places, but we need to understand that it is not at one particular place. It is between everyone. It is between everyone. Now see, if we look at the other, I'll say some doctors are doing very wonderfully good and they are, gaining a lot of goodwill also and popularity also, that, such a complex case they have handled smoothly. And apparently another doctor is there. Instead of having a jealousy and instead of having, how they can do it. I'll say it is that we see a divine power into that. Dr. Markandeshwar also said the same thing. I'm very much in tune to him on this. That, the way he said ki main eyes ka operation kar deta hun, jab mujhse patient poochte hain ki kitni wapis aayegi, to main kehta hun ki maine kar diya, ab agla bhagwan ke haath hai. To aap, hum sabko ye sochna chahiye ki if my fellow member is able to do much better, how I have to reach here? Not to have a negative thing, but to have a positive things from that. On this note, I say thank you everyone for giving me such a great opportunity to interact with all of you. And I apologize if anywhere I've hurted anyone's sentiment, because this is, Gita, I take it. It is not any religion's holy book. You pick up, you get a solution, and I follow that. So I, Dr. Jaskiran Kaur, give sense of gratitude to all the listeners patiently, and Swamiji especially, that I gained a lot of knowledge. I'll be meeting him very shortly. And thank you so much, Dr. Jain, for connecting us and your tireless efforts and not looking at a clock has been always a motivating soul for me. Thank you so much. Pleasure, ma'am. Thank you so much, Dr. Jaskaran. Very inspiring talk. With your selected verses from Bhagavad Gita, which you have translated, I hope and I believe it will help modern healthcare professionals understand their roles in society and fulfill their duties as clinicians and healers in a satisfying manner and enhancing their coping skills, especially in this era. Now, I would like to welcome the inspiring force, the person who has made it all possible with his tireless efforts, bringing us all together for this day to happen. I would request Professor A.K. Jain, sir, to make the vote of thanks. Thank you, Professor Navveer. Well, before I invite in the last, our Honorable Vice Chancellor, come Director, sir, for
concluding remark. I take it as a proud privilege of mine and an opportunity to convey this very formal vote of thanks. And at the very outset, you know, it is the Her Excellency, the Governor of Uttar Pradesh, Madam Shri Anandiben Patel, the very Honorable Honorable Minister of Medical Education, Finance and Parliamentary Affairs, Shri Suresh Khanna ji, who out of their inspiration and motivation have been instrumental in getting this series of webinar or seminars on medical ethics started in our state. They are too passionate. Then our Honorable Vice Chancellor, come respected Director Sir of the Institute, with many more additional administrative responsibilities, Professor Dr. Arun Singh. He is the one responsible for the hybrid and synergy of Gita, taking the concept from International Gita Mahotsav, synergizing it into this ethics seminar in the state, and making it sure that it is widely attended across the world. You all will be delighted to know that we could see there have been logins and there have been listenings, and in our audience, very premier people and across the world people have attended. I don't know how people like, but personally, I am an spiritually enlightened soul. Main aapka rini hoon, Kulpati Mahoday, Professor A.K. Singh Sahab, ki aapne mujhe personally aur jane kitno ko atmabodhan ke prabodhan ke mark par la diya is ek chote se. Shayad जीवन के कुछ क्षण इस चीज में देकर हमने शायद काफी कुछ हासिल किया है, यह हमें आने वाले समय में पता लगेगा. आपका हृदय से आभार. देन देर आर अवर एमिनेंट स्पीकर्स एंड लीडिंग द लॉट, दे हैव बीन ऑल इक्वली वंडरफुल एंड रेनाउंड. गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी जी, अपने स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने इतना समय निकाला. स्वामी जी आपको शत शत नमन. आपका कुरुक्षेत्र में जो आपने हम लोगों को निमंत्रण दिया वो हमें स्वीकार है. कोरोना की थोड़ी सी सिचुएशन बेटर होने के बाद हम लोग अवश्य वहां पे आपके सानिध्य में आना पसंद करेंगे और काफी और लोग. और जो आपने गीता को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है उसके लिए एक बार फिर आपको शत शत नमन. Dr. Markandeya Ahuja or Madam Jaskiran Kaur, you have excelled. Jo aapne practical logon ke anurup aur khas taur se chikitskon ko margdarshan diya hai, disha nirdeshan diya hai, path pradarshan diya hai. I'm telling you, the motivation and inspiration and the last talk but not the least of Madam Kiran Jaskiran Kaur. I mean, generally kya hota hai, the last talk is generally lesser interesting one, but I'm telling you, up after all these talks, Dr. Dantu Krishnan, oh my God, kya aapne shlok, and in that, despite being a South Indian with English, and how beautifully you have enlightened, Dr. Amit Ranjan, in such a young age, and I matlab unhone jo Gita ko paripeksh mein dal ke, jabki he is a very young dynamic faculty, so you all people, and I am happy that iske ek aam sab logon ka samagam hua. And we all connected. और ये association continue रहेगा. खाली इस webinar पे end नहीं होगा. This is the beginning, not the end. और इसके बाद एक नाम वो है. I would fail in my duty if I do not pay a sincere reverence and regards to Shri Anubhav Mehta ji, Haryana Civil Services, who is the CEO of the Kurukshetra Development Board. The creativity, the concept, getting the speakers. And he was the main person behind the International Gita Mahotsav. And through him, his creative team of artists like Rana ji, Balwan ji, and Pradeep, I mean, tirelessly we worked day in and day out. Anubhav ji, aapka hirday se aabhar, aur aapke through jo Haryana se Rajbhavan se blessings hame mili hain, wo, that is unparalleled. Convey my regards also to the secretary madam there, and the Honorable Governor there. Then, I mean, no webinar or seminar can be successful unless and until
there is a strong and robust team behind. It is not a one-man effort. ये तो लोगों ने organizing में हूँ मैं तो लोगों ने कह दिया, परंतु मैं अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वर्क से you who have been offline, and foremost of them is Professor Dr. V.S. Gogia. Despite multiple administrative responsibilities, so much of work, tirelessly day in and day out, that gentleman didn't say a word. और एक इशारे पर जब वाइस चांसलर साहब ने याद किया हमने किया, he has stood the test of time. I am indebted to you, sir. Our joint organizing secretary, Professor Dr. Navbir Pasricha. I know Hindi, she does not have a command, but with the command, she has conducted the webinar. I am personally grateful, madam. I was already a fan of your, you know, intellect, and I have seen your speaking, but you have really proven that you are worth the medal. Then there are faculty jewels who have been offline. Professor Dr. Ritu Karoli, the internal physician, Dr. Richa Chaudhary, Dr. Vikas Singh. They are the jewels who are from the seminar committee. But here, like their own personal, you know, project, they have worked tirelessly. And now the most important work, if any webinar is totally IT based, you cannot make it a success unless and until there is a proper audio visual in IT. Shri Akhilendra Verma ji and his team of people, including Shri Amarjeet ji, they have really worked tirelessly in and out. Raat ko, din raat, wo yahi pe, hamare director sahab ne kaha, 2 ghante mein flex to ekdam se Ram Manohar Lohia ke logo taiyar ho gaya. Ye is sansthan ki neev mein se hain. Inhone sansthan shuru se kayam kiya hai. Main inka hriday se aabhar vyakt karta hu. Inhone samay par apne kaun ko pakke rahe, and they have stood the test of time. I am really grateful to you, Akhilendra ji, and your team. And office support, कहीं भी communication हो, email हो, invitation हो, letter हो, वो अगर अच्छा आपका secretarial robust staff नहीं होता है, it doesn't function. Nimisha ji and Madam Nusrat Faridi from the research cell. Nimisha ji is the personal secretary to the director, and Nusrat Madam is basically the ethics seminar committee coordinator. इन लोगों ने महिला होकर दिन देखा ना रात देखा और tirelessly इसके लिए काम किया. I am sincerely grateful with all of their dedication, devotion and sincerity. Aur last mein kabhi usko nahi bhulna chahiye jo samay pe darwaza khulta hai, safai karta hai. Yahan wo hai nahi, par yahan hamari safai karmchari munni hai, aur ek jo sweeper hai aur ek jo karmchari hai Santosh ji, in logon ne samay pe subah 7 baje aake brahm muhurt mein aake raat ko der der ke jo karya kiya hai, main इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. मुझे माफ करिएगा, मैंने श्रोताओं में विशिष्ट नाम ले लिए, पर सारे श्रोता एक से एक फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनके सब में अगर नाम पूरा करने लगूं तो शायद समय बहुत लग जाएगा, परंतु उसमें से बहुत से ऐसे डिग्निफाइड लोग होंगे. आई कुड नॉट सी वाइल अटेंडिंग, देयर मस्ट बी ल्यूमिनरी कार्डियक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, पीएमआर पीपल अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द लैंड. आप सबको my sincere regards, and please hamari apology agar kahin technical glitches hui ho, kahin aap pura udbodhan sun na paaye ho, to aap sabhi shrota gron ko hum sab ka Ram Manohar Lohia Institute se aur Atal Bihari Vajpayee Medical University se hriday se aabhar. Aapke bagair agar shrota na ho to vakta ka bolna bekar hai. Aap sab ka hriday se dhanyawad. Aur mujhe agar koi naam main bhul gaya hu to meri hriday se shama yachna, wo mujhe avashy maaf karein. वो इंटेंशनल नहीं है. एंड फाइनली विद दिस आई विल रिक्वेस्ट, सिंस द डॉक्टर अर्जुना हैज स्टूड अप रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड फ्रॉम लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आवर कैरिज्मेटिक डायरेक्टर प्रोफेसर अरुण सिंह टू गिव सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड फॉर्मली एंड द सेशन. सर, प्रोफेसर अरुण सिंह सर. थैंक यू डॉक्टर जैन. एंड व्हाट आई कुड सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर जैन फ्रॉम यू नो इनटू अ कर्म योगी. Because by just, you know, once requesting him to moderate this seminar, he has taken immense pain. And it's a pleasure to see him work that way. This was my first interaction, because I have been a director just for 2 months at this place. And to see somebody working with so dedication, devotion,
It was really a pleasure seeing Dr. Jain working. Well, I wouldn't take much time, but as people say, an English saying, time flies. And indeed, I realized it has happened today. You know, we started at 9.9 and we thought we'll be there for about 1.5 or maximum 2 hours. And we have exceeded without realizing that the time has really flied past. A lot of people, you know, being in an institution, a lot of people have their works. They have to attend to their patient. They have to do their OPDs and a lot of the things. We'll have these recordings on the website also for people who can view it even later. One word or one sentence or one phrase which Dr. Jain has snatched from me is, this is not an end of the webinar, but it is a beginning of our dialogue and our communication in this direction. Once again, I thank everybody from the core of my heart, and I am obliged that everybody, with all humility, they have spoken to the audience and they have interacted in such a nice way that we have also the earnest desire to interact with them in the near future once again. Thank you, everybody. Thank you for being with us and attending this webinar very patiently. And we look forward to meeting you again in the near future. Thanks a lot.